Hi guys, good evening. कैसे आप लोग? My name is Narin Kumar and this is our channel Guidely. I hope सब लोगों ने इस सेशन को शेयर कर दिया है. If you are watching this video very first time, I have a message for you. आप मेरे पुराने वीडियो जरूर देखना इस चैनल पे, ट्रिक बेस्ड वीडियोस. वो कुछ ऐसी कहानियां मैंने पढ़ा रखी हैं जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स को टैकल करना आपको सिखाएगा. तो प्लीज़ लेट मी नो, चेक कर लेना टॉपिक सबको. आप सर्च कर सकते हो इंग्लिश नरेन सर लिख देना आप यूट्यूब पे. Guidely के जितने वीडियोस आएंगे आप देख लेना, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जम्बल ऑल दिस वीडियोस. चलो स्टार्ट करते हैं. ये मैराथन है, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? पानी वानी पास में रख लो, आराम से पीते जाओ. एंड हाँ, प्लीज टेल मी द साउंड इज ओके. ऑलराइट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो गाइस, सबसे पहले जल्दी सारे ग्रुप में शेयर करके आ जाओ कि मैराथन क्लास हो रहा है. और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास में, तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. चलो, मैंने इसका पार्ट वन कराया था एरर का, उसी का ये पार्ट टू समझ लो. 18 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे, ठीक है? और ऐसे ही कल मैं और एक बड़ा मैराथन लेके आने वाला हूँ, ठीक है? कल बुकैप का होगा, यू विल लव इट. यस, वी आर रेडी. कि ये भाई को हो गया, अरे पूछा जाता है, वो एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ ले रहा है. फॉरगेट अबाउट प्रियर मेंस, फोकस ऑन द लर्निंग, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, विवेक नायक मेंस का यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया. अच्छा विवेक, एक बार मेरे क्वेश्चन जरूर चेक कर लेना, हो सकता है कि आपका नजरिया बदल जाए और हो सकता है स्कोर बदल जाए, ठीक है? आप तो स्टूडेंट हो तो आपको तो आपका तो धर्म है ये सब चीजें फॉलो करना. राकेश दुबे, क्या रिप्लाई करना है? मिस्टर नोबडी, इतना ज्यादा क्यों मैसेज कर रहे हो? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, प्लीज इंजॉय. ओके, चेक योर नॉलेज. अरे स्टक कैसे हो गया, फिर से स्टक हो गया? वीडियो तो काम कर रहा है, वीडियो चल रहा है गाइस. गाइज प्लीज लेट मी नो द वीडियो इज फाइन. ओके, मैं कंटिन्यू कर देता हूं. आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम, देखो मैंने आपको बोला था व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे, एक क्लॉज ये रहा और दूसरा क्लॉज ये है. जब दो जगह फ्यूचर फ्यूचर हो तो एक फ्यूचर हमारा प्रेजेंट, कौन सा वाला? जिसमें लिखा हो, देखो यस यस, देखो जिसमें व्हेन, व्हेनेवर, अंटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, एज सून एज, इन केस, ये वाले वर्ड देखो, ये दिख रहा है ना, ये हमें बता रहा है कि ये वाली क्लॉज हमारी प्रेजेंट सिंपल में होगी, ठीक है? इन अ सेंटेंस व्हेन देयर आर टू फ्यूचर्स एंड फ्यूचर टेंस, तो उसमें से एक प्रेजेंट सिंपल होता है. हाउ डू बी डिसाइड इट? जिस पार्ट में लिखा हो व्हेन, व्हेनेवर, अंटिल, अनलेस, इन केस, बिफोर, आफ्टर, ठीक है? इस उस पार्ट को हम प्रेजेंट सिंपल कर देते हैं. तो करेक्ट होगा, आई बिलीव द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माय बुक. सिंपल, नेक्स्ट टाइम यू कम टू बॉम्बे, ठीक है? पहला वाला गलत था. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, अगर बफरिंग होता है तो बता देना मुझे. नेक्स्ट, ये वाला देखो. क्वेश्चन नंबर देखो 19, इसको देखो. व्हेन ही रिटर्न ही नेवर सीम टू रिमेंबर एग्जैक्टली वेयर ही हैड बीन. व्हेन ही रिटर्न, ओके, जब वापस आया, ही नेवर सीम टू रिमेंबर, उसे कभी याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली वेयर ही हैड बीन. ये तो करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट. पेड क्लास कब से है? बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर, रजत मदन, थैंक यू. चलो, दे वॉच्ड इट फॉर सम टाइम, ओके, कुछ टाइम तक उन्होंने देखा. दे रिटर्न इट टू देयर टेंट, ये भी करेक्ट है, इसमें प्रोनाउन भी सही है, टेंस भी सही है,
दिस वन ऑल्सो गुड. सी रिटर्न टू अवर होम टाउन आफ्टर सी हैड फिनिश्ड, ओके, सी हैड फिनिश्ड हर डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके, थर्ड फोर्थ नंबर देखते हैं. आई देन रिटर्न एंड पिक्ड अप द पाउच एज इफ टू लुक इन टू इट. आई देन रिटर्न, मैं वापस आया एंड पिक्ड अप द पाउच, पाउच एज इफ, ओके, मानो के, टू लुक इन टू इट, मतलब कि मुझे उसमें देखना है. तो ये वाला भी करेक्ट है. ठीक है, आ जाओ. मुझे थ्री में डाउट लग रहा है, लेकिन वन टू और फोर करेक्ट है. ड्यूरिंग हिज एब्सेंस सी दस रिपेंटेड, वो पछता ही, ठीक है, बट नो लॉन्गर वैन ही रिटर्न, लेकिन वापस आ गया तब नहीं. रिपेंटेड बट नो लॉन्गर सी रिपेंट. देखो अब मेरे थर्ड वाले में कुछ पंगा लग रहा है. सब लोग देखो क्विकली. अब थर्ड में पंगा है तो क्या पंगा हो सकता है, वेरीफाई करो एवरीवन. गाइस प्लीज एक बार शेयर कर दो, मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करके आ जाओ. सी रिटर्न टू अवर होम, ओके, होम टाउन आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर डिग्री. ठीक है, अब एक बात बताओ, ये थर्ड वाले में कहानी देखते हैं, टेंस की कहानी देखते हैं. डिग्री पहले खत्म होगी या गांव पहले चली जाएगी, इतना बताओ. होम टाउन पहले चली जाएगी या फिर डिग्री पहले होगी, क्विकली बताओ. नरेंद्र शर्मा जी ने क्या लिखा है, आफ्टर सी फिनिश्ड, ओके. हाँ देखो देखो, सी रिटर्न्ड टू हर होम, ये फ्यूचर वाली पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि अपना मतलब डिग्री खत्म करने के बाद में वो गांव चली जाएगी. ये सेम टाइम की स्टोरी है, इसमें दो टाइम आगे पीछे नहीं हो रहा है गैस. ओके, तो सी रिटर्न टू हर होम टाउन आफ्टर सी फिनिश्ड हर डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये एक्चुअली देखो दो तरह की कहानियां होती हैं. एक जैसे हमारा ये प्रेजेंट वाला है, एक होता है कि एक पास्ट ये रहा एक पास्ट ये रहा. तो ये वाला जो सबसे पुराना पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट बनता है, ये सिंपल पास्ट बनता है. लेकिन कई बार क्या होता है, सिंगल टाइम फ्रेम, सिंगल मतलब सेम टाइम की स्टोरी होती है. ठीक है, सो सी रिटर्न टू हर होम टाउन आफ्टर सी फिनिश्ड हर डिग्री इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो ये थर्ड वाला रॉन्ग है. दोनों को ही पास सिंपल कर दो, दोनों को ही पास सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 20. दोनों क्या है ना, सेम स्टोरी बात हो रही है, सेम टाइम फ्रेम. 20 देखो, 20 एवरीवन. आई वॉज प्लीज टू थिंक ही हैड हेल्ड ऑन द ऑन टू द मनी आई हैड गिवन हिम. अब इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करके डिवाइड एंड रूल. आई वॉज प्लीज, आई वॉज हैप्पी टू थिंक ही हैड हेल्ड ऑन टू द मनी आई हैड गिवन. ठीक है, मैंने उसे जो पैसा दिया था वो उसने अपने पास रखा हुआ है पैसा. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो. तो फर्स्ट वर इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. व्हाई ही विशेस द गॉड टू बी प्लीज्ड विद हिम, वो क्यों चाहता है कि भगवान उसके साथ हैप्पी हो. वी शैल हैव टू इंक्वायर हियर आफ्टर, हमें उसको इंक्वायर करने की जरूरत है. ये भी करेक्ट है. दिस सो प्लीज्ड नोएल दैट ही एडवांस्ड माय वेजेस टू $1.50 अ वीक. ओके, अब देखो दिस, अब इसको ब्रेक करो तो समझ में आएगा. देखो दिस मतलब कोई स्टोरी होगी. सो प्लीज्ड, उतना ज्यादा खुश कर दिया किसको, नोएल को, दैट ही एडवांस्ड माय वेजेस, उसने मेरी सैलरी एडवांस में दे दी. ठीक है, एडवांस या बढ़ा दी टू $1.50 अ वीक. इसको ब्रेक किया कि नहीं, अगर ब्रेक करोगे तो समझ जाओगे. थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन फॉर लंच Which I am very pleased to accept. अच्छा, फोर में एरर बता रहे हो क्या, इसमें करेक्शन बताओ, करेक्शन क्विकली. ऑल पूजा तिवारी, देवमल्या, श्वेता सिंह, विक्रम, अनीता, हे इसमें वो बताओ,
थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। इसमें मेरे को करेक्शन बताओ, फोर वाले में करेक्शन कोई लिख सकता है? हाँ देखो, थर्ड नंबर में मैं आपको बताता हूं, थर्ड नंबर में अ वीक अगो नहीं होगा, मतलब कि $1 एंड अ हाफ अ वीक, मतलब एक वीक में मेरे को एक $1.50 मिलेगा, $1.50 मिलेगा। समझ गया विक्रम अधिकारी? क्लियर? ये वाला पार्ट, डॉलर एंड हाफ अ वीक, एक वीक का वो इतनी वैल्यू है। थैंक यू फॉर इनविटेशन फॉर लंच। ओके, कुछ कोई लोग विच बोल रहा है, कोई दैट बोल रहा है, आओ चलो चेक करते हैं। थैंक यू फॉर इनविटेशन फॉर लंच। ओके ऑलराइट ऑलराइट, ये वाला देखो रिलेटिव प्रोनाउन का मिस्टेक तो है यहाँ पे। अब इसमें क्या सही हो सकता है वेरीफाई करते हैं। थैंक यू फॉर इनविटेशन फॉर लंच व्हिच आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट। दैट होगा, हाँ दैट दैट करेक्ट है। दैट क्या करेगा, पास वाली चीज के लिए देखा, और विच क्या करता है पूरी कहानी के लिए आता है, तो अभी पास वाला चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दैट वर्सेस विच भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एसेंशियल क्लॉज और नॉन एसेंशियल क्लॉज दोनों स्टोरी। ऑल करेक्ट नहीं है, डी वाला गलत है। नेक्स्ट देखो, एट लास्ट ही कॉल्ड अप बिली एंड चार्ज्ड हिम टू कीप अ ब्राइट लुकआउट। ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है तो परेशान मत हो ना आप लोग। ट्राई दिस वन यार, ये तो इजी है, ये तो आप तुरंत कर दोगे। हाय मयंक, हाय अंकिता, पूजा तिवारी, ओके राकेश दुबे, हाय राकेश। एट लास्ट, देखो मैं कैसे पढ़ता हूं, प्लीज कॉपी माय स्टाइल। एट लास्ट ठीक है, कहां गया, ही कॉल्ड अप होम बिली, किसको किया, ही कॉल्ड अप होम बिली एंड चार्ज्ड हिम टू कीप अ ब्राइट लुकआउट। करेक्ट है। तेज सनशाइन, हेलो सर, हाय हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, इधर आ जाओ। एट लास्ट ही कॉल्ड अप बिली, लास्ट में उसने बिली को कॉल किया एंड चार्ज्ड हिम टू कीप अ ब्राइट लुकआउट। अब इसके दो सीन्स होते हैं, एक तो होता है कि जब हम व्हेन वी चार्ज्ड एट, ठीक है, अगर हम किसी पे अटैक करें तो चार्ज एट हिम होता है, लेकिन वो तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये फीस वगैरह लगाई है उसके ऊपर। नेक्स्ट देखो, हिज फ्लोरिड फेस पेल्ड अ लिटिल। फ्लोरिड, फ्लोरिड जानते हो, फेस वाला मतलब आई मीन फ्लावर वाला फेस, पेल्ड और पेल मतलब कि पीला पड़ गया है, अ लिटिल एंड हिज ब्राइट आयरिस आई डिड नॉट ब्लिंक। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पहले मेरा फेस बहुत खूबसूरत एकदम फ्लावर जैसा है, फुल रोज, और फिर मैं ऐसे बैठे तो एकदम पीला पड़ जाए और मैं बिल्कुल ब्लिंक ना करूं, ठीक है? तो ये इस तरह से पोएटिक सेंस में लिखा गया है, ठीक है? आप इधर आ जाओ, ये बहुत इजी है, आपने कैसे मिस कर दिया, तुम सब चैंपियन हो, ठीक है? नो अदर बॉय, ये कैसे मिस कर दिया भाई लोग? मयंक, दीपशिखा, आप लोग कैसे मिस कर सकते हो भाई, जो डेली वाले बंदे हैं, शिखा, ठीक है? नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज ब्राइट एज इज सन। अरे कंपेरेटिव डिग्री होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है? तो देखो इसका पता है, इसका सुपरलेटिव क्या होगा रहेगा, ठीक है? हिज सन इज द ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट बॉय इन द क्लास, समझ गया? ओके, हिज सन इज मोर ब्राइट या ब्राइटर देन, ठीक है, ऑल ब्राइटर देन अदर बॉयज इन द क्लास, अदर आएगा। और जब हम पॉजिटिव में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, नो अदर बॉय इन द क्लास एज ब्राइट एज इज सन। हाँ ये वाला देखो, थर्ड वाले में मिस्टेक थी, पकड़ में आ गया? नो अदर बॉय, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हिज ब्राइट स्माइल विथ टू, अब मैं ये पढ़ रहा हूं, हिज ब्राइट स्माइल विथ टू मिसिंग फ्रंट टीथ फेडेड, उसकी स्माइल चली गई एज ही रियलाइज दे वर लिविंग विदाउट हर, उसके बिना जा रहे थे तो उसकी स्माइल गायब हो गई। द रूम लिट अप, एकदम जगमगा उठा विद द ब्राइट एश ऑफ लाइटनिंग
थंडर रैटल विद विंडो पेन, ठीक है, हवा से। चलो नेक्स्ट देखो। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ सब लोग, ठीक है। ये देखो लैंग्वेज टेढ़ा लग रहा है कि नहीं आपको? ये क्या है ना कि राइटर जब किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना, प्रोज पोइट्री उस तरह का है ये हमारा राइटिंग। हाँ हाँ मयंक, यस। चलो नेक्स्ट देखो। यार ये तो बहुत सिंपल है, प्लीज बताओ। इट्स अ लवली डे, इट इज अ लवली डे एंड वी आर ऑल गोइंग टू ड्राइव टू रिचमंड टू पिक, ओके रिचमंड, ड्राइव टू रिचमंड टू पिकनिक इन द पार्क। देखो 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 ये वाली कहानी टू पिकनिक अलग है, ओके, वी आर गोइंग टू ड्राइव टू रिचमंड, ये तो करेक्ट है। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स, द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दिस वन वॉज। ये तो इजी है ना भाई लोग। विक्रम अधिकारी क्या कर रहे हो यार? सविता कुमारी, अंशिका, अस्मिता, तुम सब पे बदतमीजी का चार्ज लगेगा, तुम सब पे बदतमीजी का चार्ज लगेगा। नरेंद्र शर्मा जी, सर आप क्या कर रहे हो? ठीक है देखो मैंने पढ़ाया हुआ है, चलो जिनको ये रूल पता था वो सॉरी बोलो, नए लोग को लिखो। अब देखो सुनो सुनो, यहाँ पे सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है और उसके बाद देखो ब्ला 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 यहाँ पे और फिर सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है। तो सुनो ये जो वर्ब होगी किसके हिसाब से बताता हूं मैं आपको, सुनो। राहुल विद हिज फ्रेंड्स, राहुल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राहुल इन एडिशन टू हिज फ्रेंड्स, इन ऑल दीज केसेस जो वर्ब होगी ना वर्ब, वो राहुल के हिसाब से लगेगी सिंगुलर के हिसाब से। शर्मा वर्मा फैमिली में पढ़ाता था, मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर यहां पर लिखा है विद along with, समझ गया, together with, तो ये वर्ब होती है वो फर्स्ट वाले के हिसाब से एग्री करती है। जानते थे कि नहीं बोलो? कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये क्लासेस होती है ना आपका रिवीजन करने के लिए। अब क्वेश्चन है अच्छे कि नहीं बताओ, तो चलो यही आंसर हो गया, आगे क्यों जाना फिर हमें, यही गलत है हमारा। चलो रेडी, चलो नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, मैं पढ़ाऊंगा सब, रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी गाइस। चेहरे पे कुछ अंधेरा आ रहा है ना? ऑलराइट, मैं लाइटिंग अरेंज करता हूं, आप तब तक क्वेश्चन पढ़ो। डायरेक्शन पढ़ लिया सबने? देयर आर थ्री सेंटेंस गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द सेंटेंस व्हिच आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कंटेंट मीनिंगफुल, देन मार्क योर आंसर द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ओके और सर करेक्ट, ओके, फाइंड व्हिच आर ग्रामेटिकली करेक्ट कॉन्टेक्स्टुअली मीनिंगफुल। चलो और हमें करेक्ट ढूंढना है गाइस, करेक्ट ढूंढो, करेक्ट। All right. All right. चलो लाइटिंग फिक्स करने गया था मैं। अरे हमसे गलतियां होंगी यार, ठीक है, लेकिन हम सीखेंगे, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ करेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट। बताओ जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट होगा। द साइंस ऑफ कोर्स प्ले, द साइंस ऑफ कोर्स, यार ये तो पहले ही गलत हो गया। प्रियंका, हरबन, शिखा, देखो आपको दिख रहा है भाई लोग। मयंक, आई एम इंप्रेस्ड मयंक। मीनू यादव, यस। तो सुन, द साइंस ऑफ कोर्स सिंगुलर, तो ये क्या होगा, प्लेज होगा, है ना, प्लेज होगा कि नहीं, लिखो सब लोग, यस। द फर्स्ट वुड बी प्लेज, गलत है प्ले। द साइंस ऑफ कोर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट, ठीक है। मेघनाथ साहब, विदेश थर्मल आयनाइजेशन फॉर्मूला मेड इंडिया लीडर इन द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ये तो करेक्ट है बाबा। टाइम इज द एसेंस फॉर रीजनेबल सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइंस, ये भी करेक्ट है, तो ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।
ये ट्रिकी होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी, लेट्स गो फॉर इट. एमएसपी प्ले हेल्प्स टू प्रोक्योर, मेरे हिसाब से चलोगे? देखो एमएसपी मिनिमम प्राइस हेल्प्स, सही जा रहा है, टू प्रोक्योर इकट्ठा करने के लिए, अरेंज करने के लिए, टू प्रोक्योर व्हाट? एडिक्वेट फूड ग्रेन्स थ्रू एफसीआई, करेक्ट. डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे पढ़ा करो. तुम क्या करते हो, एक साथ पढ़ते हो और इसका इसके साथ मिक्स वेज कर देते हो. प्लीज डू नॉट मिक्स वेज, शाही पनीर बनाओ. ओके, कुछ एक्स्ट्रा मत मिलाओ, ओनली ओनली नो मिक्स वेज, ओनली शाही पनीर, वन इनग्रेडियंट. आजा भाई, ठीक है? तो मेरी तरफ पढ़ रहा है नहीं, सब लोग प्रॉमिस करके लिखो, सर यस सर, वी विल ऑलवेज ऑलवेज डिवाइड एंड रूल. मैं चाहता हूं हर बंदा कमेंट में लिखे डिवाइड एंड रूल, डी एंड आर. मयंक भाई लिखो डिवाइड एंड रूल, लिखो सब लोग. शिखा आप भी लिखो, ठीक है? आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट. बिंदु, डिवाइड एंड रूल करो. अरे तुम्हें आता है यार, तुमने बहुत पढ़ाई की, तुमने बहुत टीचर से पढ़ा, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अब मैं कुछ सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, तुम्हारी थॉट प्रोसेस, तुम्हारी अप्रोच, तुम्हारा कॉन्फिडेंस. आई जस्ट वॉन्ट टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग. चलो इधर आ जाओ. पॉलीमर इज वन ऑफ द बेसिक इनग्रेडियंट्स, वन ऑफ बाई प्लूरल, टू प्रोड्यूस वॉट? ड्रेस मटेरियल, करेक्ट. द मैलिडी ऑफ आर नेशन, मैलिडी जानते हो, नेगेटिव थिंग, रिमेन सिंगुलर एम्बेडेड इन कॉलोनियल हैंगओवर, ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट लिखो. हाँ यस, पनीर टिक्का मयंक, चलो गुड गुड गुड, आई लाइक योर एक्साइटमेंट गाइस. चलो, ही हैड मैनेज टू रिकूप, चलो पहले आप पढ़ लो ढंग से. He had managed what? To recoup most of his financial losses by 1870. उसने सब कुछ, ठीक है ना, कवर कर लिया था. He had managed what? To recoup most of his financial losses by, it is correct. The break. आप फर्स्ट पढ़ा करो मेरे से फर्स्ट, ठीक है? मैं टाइम बच जाए इसलिए जल्दी कर रहा हूं. The break was taken to recoup her energy, वापस एनर्जी ले लेना, ठीक है? टू टेक बैक अगेन हर एनर्जी, टू रिकूप व्हाट? हर एनर्जी फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. चलो ओके. दो इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग सक्सेस, यस, येट ये कॉमा नहीं होना चाहिए था, येट इट डिड नॉट रिकूप इट्स हाई कॉस्ट, ठीक है? ये वाला गलत है. थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट सेकेंड इज करेक्ट. द न्यू गाइज दो एंड ऑल दो फॉलोड बाई येट येट येट. समझ गया सब लोग? गाइज प्लीज शेयर कर दो, 45 वॉच कर रहा है, कैन वी मेक इट 100? आई रिक्वेस्ट, ये बहुत लंबा क्लास चलने वाला है. अपनी चाय पानी रख लो, अपने दोस्त को, मम्मी पापा बहन को बोल दो, डू नॉट डिस्टर्ब यू, ठीक है? और आपके लिए खाने पीने के लिए सैलड खाना आता जाए, मैं भी पढ़ाने वाला हूँ 3 घंटे, आप भी आ जाओ, ठीक है? और सारी बातों को जानते हो स्माइल करना, नहीं जानते हो लिख लेना. अबे यार मैं क्यों नहीं जानता, सबके पास ये क्वेश्चन है, मेरे पास क्यों नहीं है भाई? गुस्सा करा करो खुद से, ठीक है? मैं कैसे मिस कर रहा हूं ये सब कहानियां. चलो नेक्स्ट देखो. चलो वापस आ जाओ. नेक्स्ट नेक्स्ट देखो. Men and women should have what? Should have what? The same chance of physical integrity. It looks good. फिर से देखते हैं. Men and women. And लगा हुआ है, दोनों plural हैं. Okay, I'm happy, I'm happy. Men and women should have. Should have तो सही है. Should have, might have, would have होता है ना. ये verb हमारी सही है, ये भी सही है. Should have what? The same chance of physical integrity. Correct. I will not open, sir. आप भी चिप्स ले लो सर. हाँ भाई, मेरे पास अपनी चाय रखी हुई है, बिना चाय के नहीं कर सकता मैं. एंड यस यस, हाँ आ जाओ. द टेरिटरी इंटेग्रिटी, द टेरिटरी इंटेग्रिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज मस्ट बी फुली रेस्पेक्टेड. ओके, आईपीएस गाइड विल नॉट ओपन सर. ओके रमेश जी, ओके यू कैन वेट इफ देर इज एनी प्रॉब्लम.
इट विल बी रेक्टिफाइड, नो प्रॉब्लम। चलो मैं थर्ड देखता हूँ, अभी मेरे को सेकंड समझ नहीं आया लेकिन मैं थर्ड देखने जा रहा हूँ। आर व्यूज, ये तो यहीं गलत हो गया, ये तो यहीं गलत हो गया। फर्स्ट आर व्यूज इज गलत हो गया। द टेरिटरी इंटेग्रिटी, सुनो टेरिटोरियल होना चाहिए था। कौन है ये? कैन वी प्लीज क्लैप फॉर विक्रम अधिकारी, माइंड ब्लोइंग, आई एम इंप्रेस्ड। मैं सोच ही रहा था कौन बंदा बोलेगा। इंटेग्रिटी इज नाउन, हेंस वी नीड एडजेक्टिव, और टेरिटोरियल एडजेक्टिव होगा। विक्रम अधिकारी के लिए करो, और वैष्णवी, वैष्णवी, अंशिका, अंशिका, हाँ अंशिका, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, यो भी गलत है बॉस, यो भी गलत है। ये तो सबको दिख रहा है, आरब्यूज आर होना चाहिए था, एंड ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होना चाहिए था। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा तालियां वालियां बजाओ, मजा आने दो, बी एक्साइटेड, डांस करो। बाहर दुनिया में बहुत डिप्रेशन है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है। हम बहुत सारे लोगों को तो अभी तो हमें लग रहा था कुछ दिन पहले कि सब मरेंगे लगता है, बट अब सब ठीक हो रहा है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है, तो इस डिप्रेशन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आते हैं। ठीक है ना, स्माइल करो, सेफ रहो, खाना पीना खाते रहो, बाहर मत निकलना और किसी से गले मत लगना। नो सोना बाबू फॉर नेक्स्ट 20 डेज, समझ गए? नो सोना बाबू। चलो नेक्स्ट देखो, करो स्माइल। इफ एन एक्सटेंशन इज मेड, अगर होता है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, दे विल रिसीव नो रिकॉम्पेंस, करेक्ट है। अगर एक एक्सटेंशन होता है कोई प्रोजेक्ट का, तो कोई, चलो, रिकॉम्पेंस नहीं होगा, करेक्ट। अच्छा, ओले गिर रहे हैं सोनिया। चलो सोनिया, टेक केयर। हाँ, अब इधर देखो, he would receive 3 valuable gifts in recompense। हाँ, अच्छा क्या कमेंट कर रहे हो आप? यशराज सर के भी मैराथन अरेंज करवा देना, लाइक दिस। अरे हाँ बिल्कुल, अरे यशराज सर को बोल लूंगा, अमित पांडे सर को भी मैं लेके आ रहा हूँ, वो खुद ही पढ़ आज, पता है। अरे सुनो 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 भाई लोग, तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट आज एक क्लास कराने वाले हैं। कौन? अमित सर। मेरे को कुछ ज्यादा मैथ में आता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है ना, अगर तुम्हें मेरी कीवर्ड अप्रोच, वर्टिकटिंग अप्रोच, इन पर प्राउड है, अगर तुम्हारी लाइफ आसान हो गई है मेरी निंजा टेक्निक पे, तो आज जाना। एक सिंगल, शायद कोई डीआई टाइप का बना रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स के मैक्सिमम फिनोमेना पूरे यूट्यूब पे, पूरे कंटेंट मार्केट में, किसी बुक में उन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो पांडे सर का क्लास आज 10 बजे है, वो अब थक जाओगे मुझे पता है, लेकिन गिव अप मत करना, वो क्लास जरूर देखना, समझ गए सब लोग? 10 बजे पांडे सर का क्लास है। और हाँ, मैं इसरा सर को भी बोल दूंगा, ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, क्योंकि मेरे सामने ही वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब मुझे वो बता रहे थे, तो उनकी आंखों में भी वो चमक देख रहा था। वो चमक वो है जो मैं अपनी आंखों में फील करता हूँ, जब कोई कंटेंट इतना खूबसूरत होता है, इतनी ट्रिक्स खूबसूरत होती हैं, ठीक है, मिस मत करना उनको। हाय बैंकिंग वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलो ये देखते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकॉम्पेंस फॉर दोज हू हैव लॉस्ट मनी। अच्छा, रिकॉम्पेंस समझ गया ना, कंपेंसेशन वापस मिलता है, तो ऑल आर करेक्ट, सब ठीक है इसमें, सब ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडे जी का कमाल करते हैं, अरे पांडे जी बहुत तगड़ा कमाल करते हैं। आज की क्लास मिस मत कर देना, अपने सारे यार दोस्तों को इनवाइट करना 10 बजे। यहां मैं बैठा हूं, इसी सोफा पर बैठ के वो क्लास लेने वाले, हम साथ ही शेयर रहते हैं। चलो नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर टू फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मार्क्ड इन बोल्ड व्हिच आर आइदर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और नॉट इन्फॉर्मेशन, मतलब बोल्ड वाला पार्ट गलत है। Choose the best alternative among the 4 options given below. You have to replace them. उनको क्या करना? Replace करना है. Okay, to make sense of the In case both options are correct, you have to लगाना. चलो आ जाओ. दिख रहा है आपको? Guys, दो bold part हैं. उनका replacement नीचे दिया हुआ है. Find the correct replacement. Clear? Go for it. Guys, ये वाले question मेरे दिल के बहुत करीब, पूछ के भाई second में solve हो जाते हैं.
अच्छा ठीक है, मैं पांडे जी को बोलता हूँ। ठीक है सर, पक्का बोलता हूँ मैं। हाँ मैं पक्का 9:40 पे ही कर दूंगा खत्म। ओके, इसी कैमरा लैपटॉप पर पांडे जी पढ़ाएंगे तो मुझे पहले छोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, चलो आ जाओ। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे हैज मूव्ड अ प्रपोजल, ओके ओके, इन द पार्लियामेंट फॉर एडिशनल ओके करो टू रिकवर पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक्स बिलो द ऑलरेडी बजटेड। ठीक है, ओवर एंड अबव द ऑलरेडी बजटेड में करो, समझ गया। ओके अक्रॉस, ठीक है अक्रॉस तो नहीं होगा, ये तो गया। ठीक है फॉर द ऑलरेडी बजट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला करेक्ट है। सिंपल, मैंने तो प्रीपोजिशन से कर दिया। सबने टू किया है, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, थैंक यू। मैं प्रीपोजिशन से खेल के, आप भी खेलो। अच्छा कितने लोगों ने वर्टिकल रीडिंग अप्रोच लगाई? ठीक है, मतलब ऐसे देखा, यूं देखा, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ा। ठीक है, वर्टिकल रीडिंग अप्रोच जरूर लगाना। नेक्स्ट देखो, 29। आओ देखते हैं, हिंट देखते हैं। द आर एल एस पी हैड बीन कंटेस्टेड, आरएलएसपी को वो कंटेस्टेड हुई है क्या, या उसने कंटेस्ट किया है, मुझे नहीं पता। देखो ये वाला तो पक्का गलत है, पैसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस होगा। ओके एंड वन, ये देखो वन लिखा हुआ है, पास्ट टेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो गया। ठीक है, और द आरएलएसपी हैड कंटेस्टेड एंड वन थ्री सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन विच वॉज स्वेप्ट। ओके स्वीप तो ये वाला भी गया। ओके ये भी गया, ये भी गया। सिंपल आंसर है थर्ड। वंडरफुल वंडरफुल, आप लगा रहे हो ना, आप ही सिखाया, देव माल्या, यस थैंक यू थैंक यू। अब सुनो, सपोज यू हैव नो आइडिया कि इसमें क्या सही गलत है, लेकिन तुम कहोगे बीइंग स्वीपिंग स्वीप स्वैप्ट स्वैप, और तुमने देखा बहुत लिखा हुआ, बहुत के पास बी थ्री होता है, कितने सेकंड में कोई आंसर था। सविता कुमारी, रजनीश, दीपशिखा, पूजा कुमारी, मुझे सच बता कि ये वाला क्वेश्चन कितने सेकंड में कर सकता है, इफ यू यूज माई मिनिमम टाइम बताना, मिनिमम, मैक्सिमम तो लोग सदियों ले सकते हैं सॉल्व करने में, मिनिमम बताओ कितने सेकंड में कर सकते हो इफ यू नो माई अप्रोच। तुम अगर वॉज पकड़ लेते यहां पे तो तुम्हारे मार्क में बी थ्री आता, ये बी थ्री, ये बी थ्री नहीं है, ये बी थ्री नहीं है, सिर्फ ये बी थ्री है, समझ गया कि नहीं, कितने सेकंड में हो जाता, मजे लो। थर्ड का करेक्ट आंसर था। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया। तुम लोग जब सेकंड्स में आंसर कर देते हो ग्रामर का, आई लव इट। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, आओ। व्हाइल डायरेक्टिंग द पुलिस टू डिप्लॉय एडिक्वेट पर्सनेल, पर्सनेल जानते हो स्टाफ, पुलिस का डिप्लॉय करने के लिए, करेक्ट है ये तो, करेक्ट है। व्हाइल डायरेक्ट द पुलिस डिप्लॉइंग, नहीं, ओके टू इंश्योर दैट देयर वॉज नो ब्रीच ऑफ ऑर्डर ऑफ जस्टिस चक्रवर्ती सर, द बीजेपी वुड बी लाइबल, लाइबल फॉर होता है, ठीक है, लाइबल इन, लाइबल अक्रॉस, लाइबल इन, सॉरी नो कर सर रिक्वायर्ड, द बीजेपी वुड बी लाइबल फॉर लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। वंडरफुल, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है हाँ, नेक्स्ट देखो 31 क्विकली। मिस्टर राय इज 92 बच्चे एपिसोड गुजरात कैपिटल करेंटली सर्विंग ऑन सेंट्रल डेपुटेशन। अच्छा सेंट्रल सर्विंग ऑन सेंट्रल डेपुटेशन, हेडिंग द काउंटर इंसर्जेंसी, सर्विंग हेडिंग, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया। ओके सर्विंग हेडिंग काउंटर एजेंसी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्स, ठीक है ना। प्लेस के लिए क्या आता है, प्लेस के लिए क्या आता है, बोलो 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 बोलो, प्लेस के लिए फॉर नहीं आता है, छोटे प्लेस के लिए एट आता है। मैंने तो एट से खेल गया भाई, मैं एट से खेल गया। स्मॉल प्लेस के लिए क्या आता है, एट आता है, और बड़े प्लेस के लिए क्या आता है, बड़े प्लेस के लिए क्या आता है, इन आता है।
समझ गया, ये एट और इन का क्वेश्चन था, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको एट और इन देखना, प्लेस होता है, समझ में आ गया नहीं, एक बार बताओ सब लोग, सिर्फ एट और एन का था ये। गाइस प्लीज लाइक द सेशन, एबल एटीट्यूड, मजा आ रहा है कि नहीं, वर्टिकल रीडिंग अप्रोच हमेशा लगानी है आपको, ऑप्शंस को, पता है मैं क्या बोलता हूं, दीज ऑप्शंस आर आवर बेस्ट फ्रेंड, पूछ दे गिव अस हिंट, भाई लुक एट मी, आई एम एट, आई एम फॉर, आई एम इन, आई एम ओवर, चल चेक कर, प्लेस है, एट लगा ले, निकल बाहर, ऑप्शन से बात करना सीखो, बी फ्रेंडली विद ऑप्शंस, पड़ोसी से दोस्ती मत करना, फेसबुक पर आप दोस्ती मत करना किसी से, कोरोना हो जाएगा, ऑप्शन से दोस्ती कर, लाइफ बन जाएगी, ठीक है, वंडरफुल, आई एम इंप्रेस्ड गाइस, आपका एंथुसियाज्म देख के मेरा दिल खुश हो रहा है, यस वैभव सिंह, यस वैभव भाई, वंडरफुल वंडरफुल, चलो आगे चलते हैं, आज बहुत सारे क्वेश्चन है भाई लोग, पता है 120 तक जाने वाला हूं मैं, अब एक घंटे में हो जाए, दो घंटे में हो जाए, तीन घंटे में, ठीक है, लेकिन पांडे सर की क्लास आज रिकमेंड करूंगा मैं सबको, उस क्लास को मिस मत कर देना मेरे, मैं तो आपको बहुत कुछ कर दूंगा, ठीक है, आज कुछ खूबसूरत बना रहे हैं वो आपके लिए, चलो वंडरफुल, कमर्शियल बैंक्स, आई एम सॉरी दिस वन रूल आउट, ठीक है ना, ओके अब ओके, दैट एक्सटेंडेड लोन्स अक्रॉस, अच्छा विच एक्सटेंडेड लोन्स फॉर द ट्यून ऑफ, ओके ओके, तो लोन फॉर होता है ना बाबा, क्या लगता है आपको, या फिर देखो देखो, नहीं नहीं इसको भी चलो चेक करते हैं, दैट एक्सटेंडेड लोन्स टू द ट्यून, हाँ लोन्स टू, ओके यहाँ पे टू, और ये तो पक्का गया, ये दोनों गए, मैं इसको और इसमें देख रहा हूँ, ठीक है, दैट एक्सटेंडेड लोन्स टू द ट्यून ऑफ, ओके हैव रिक्वेस्टेड द आरबीआई टू रिलैक्स द नॉर्म्स, हाँ भाई ये सही है, फोर करेक्ट है, मैं फोर और टू में कन्फ्यूज हुआ, फिर मैं इस वाले पार्ट में खेला, टू रिलैक्स वाले में मुझे कन्फर्म हो गया, तो रूल आउट करना सीखो इस तरह से, फोर करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट देखो, क्या बात है यार, आग लगा दी आप लोगों ने तो, चलो नया टाइप आ गया, नया टाइप, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स व्हिच कंटेन ग्रामेटिकल एरर इन वन ऑफ द मोर पार्ट, मतलब देखो ग्रामेटिकल एरर है वन ऑफ मोर पार्ट में, अच्छा देखो देखो ये है एक दो, इसमें गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, गलती सकती है इस, और ठीक है इसको रिप्लेस करने के लिए लिखा है, इसको रिप्लेस करने ये लिखा है, इसको रिप्लेस करने ये लिखा है, तो पता करो कौन सा करेक्ट होगा, ओके बिलो इफ देयर इज एनी नॉट पार्ट ऑफ सेंटेंस नॉन ऑफ द करेक्ट, ओके देन चूज ऑप्शन बी, ओके 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 नॉन ऑफ द, ओके इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट डज नॉट रिक्वायर तो चूज ई, गो फॉर इट, गो फॉर इट, ये वाला देखो, फारूक अब्दुल्ला ऑन ट्यूजडे ऑन थर्सडे, गाइज ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसकी डायरेक्शन जितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना उसका 10% है ये डिफिकल्टी लेवल में, जानना चाहते हो कैसे, अरे मेरे दोस्त सुन, पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ इधर देखो कैसे, यहां पर देखो लिखा हुआ है आपको एक सेंटेंस, ये लिखा है ना ये वाला पार्ट, अगर ये सही है गलत है, अगर गलत है तो इसका रिप्लेसमेंट ये रहा, अरे यार देखना ये ऑन कह रहा है ये इन कह रहा है, यहीं पे पता कर लो क्या सही गलत है, ठीक है इसको कंपेयर कर लो आप, हाँ देखो फारूक अब्दुल्ला ऑन थर्सडे, तो विद 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 द नेम ऑफ द डेज वी यूज ऑन, तो भाई यो गया, मानते हो कि नहीं, लिखो यो गया बोलो लिखो, ये तो गलत है, हम पढ़ा ही नहीं मेरे को, सॉरी इनकरेक्ट रिप्लेसमेंट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट रिप्लेसमेंट, फारूक अब्दुल्ला ऑन थर्सडे सैटरडे हिज पार्टी वाज वोटेड टू पावर इन द कमिंग असेंबली इलेक्शंस, रीजनल ऑटोनॉमी विल बी या शैल बी, शैल बी या विल बी, ठीक है ये तो पक्का गया, एक ग्रांटेड हो गया, सेकंड और थर्ड तो पक्का गया, तो ये वाला सही है भाई, ओनली सेकंड, फर्स्ट गलत थर्ड गलत, ओनली सेकंड रिप्लेसमेंट गुड है, विल बी रीजनल ऑटोनॉमी विल बी ग्रांटेड, यो तो गया, यो तो गया, वंडरफुल,
वंडरफुल सोहन आर्यन, यो तो गया भाई। गाइस 56 वॉच कर रहा है, कैन वी मेक इट 100? तुम एक बंदे को अगर इनवाइट करोगे राइट नाउ, कॉल योर फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, योर सोना बाबू, उसको भी बोलो चल साथ में मोहब्बत करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आंसर करके, समझ गए? प्लीज एक बार सबको इनवाइट कर दो, आई नीड 100 गाइस टू लाइव, ओके? मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलो आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं, थोड़ा सा मेरे को मोहब्बत दिखा दो, सबको इनवाइट कर दो, प्लीज मेक इट 100, 100 इज गुड। यंग इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, सुनो सुनो, कितने लोगों को 14 फरवरी वाली कहानी याद है? रेज योर हैंड, आई वांट, जो मैं द हिंदू में पढ़ाता हूं, जब बड़े बोर्ड पे पढ़ाता हूं, स्मार्ट बोर्ड पे, कि जब 14 फरवरी हो और उस दिन जब तुम रास्ते पर निकल के जाओ तो तुम्हें कोई लड़का जब अकेला घूमता हुआ देखे तो उससे कहना ले भाई एक आर्टिकल ए और एन ले ले, वो लड़का ए मत, वो लड़का कौन है, सिंगल लड़का कौन है, नाउन, व्हेन एवर देयर इज अ सिंगल नाउन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए ए और एन अकॉर्डिंग टू द साउंड लगा देना, व्हेन एवर देयर इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज पुट ए और एन अकॉर्डिंग टू द साउंड, याद आ रहा है कि नहीं? तो भाई देख ये लगा दिया इसने, ये रिप्लेसमेंट तो होगा। किरण अच्छा आप देखते हो, वंडरफुल, हाँ इधर आ जाओ, तो ये तो गया, जिस गया अ यंग इंडस्ट्रियलिस्ट, गुंजन खेमा, खेमका या जो भी, खेमका या खेमा जो भी नाम है, बॉय शॉट डैड, ठीक है, ओके, ऑन थर्सडे, यार ये तो गलत है, सेकंड तो गलत है, ठीक है, ऑन थर्सडे एट द एज ऑफ, एट द गेट ऑफ, यार मैं एज पढ़ रहा हूँ, गेट ऑफ हिज फैक्ट्री इन हाजीपुर नियर पटना, भाई ये देखो फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, ओके, सुनो सुनो, मयंक, मयंक इन होगा, पता है, सुनो सुनो कैसे, अगर ये होता कि एट हाजीपुर इन पटना, अगर तुम यहां पे क्या लगा दो, इन, सुनो अच्छे से सुनो सब लोग, अगर यहां पे इन लगा दो तो ये क्या होता, एट होता, एट छोटी जगह बड़ी जगह इन होता, लेकिन ये वो वाला नहीं, ये नियर पटना की बात कर रहा है, तो पटना के पास में कोई बड़ा ही प्लेस है, समझ गए? ये पता है क्या है, एक सेट मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूं, ये हमारा क्या है, हाजीपुर, ये हाजीपुर है, ठीक है, और ये क्या है, पटना, एक केस ये है, दूसरा केस सुनो ये है, इसके अंदर अगर ये हाजीपुर होता ये पटना होता, मतलब पटना बड़ा और हाजीपुर छोटा, तो इस पटना के लिए क्या आता, इन आता, और इसके लिए देखो क्या आता, एट आता, देखो मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ा दिया, लेकिन ये वाली कहानी है, ये पास वाली कहानी है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको इन लगा दो, समझ गए हो? मैंने वेन डायग्राम पढ़ा दिया, इंग्लिश में कभी वेन डायग्राम सुना था आपने? चलो मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो, जय हिंद जय भारत, एंड गो करना गो भी लिख दो, बताओ बताओ, डाउट पूछो, जरूर बताऊंगा मैं, आई थिंक 56 वॉच कर रहे हैं, गाइस प्लीज लाइक द सेशन, प्लीज लाइक द सेशन, चलो तो ये वाला ही आंसर था हमारा, नेक्स्ट देखो, मदन कुमार, थैंक यू मदन, चलो आगे देखो, अरे मजे लेते ना यार, तुम्हें इतना कुछ पढ़ाने वाला, पता है कल का सेशन क्या होने वाला है, कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी, और पता है कैसे होगा कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी, जैसे कि इमिग्रेंट इमिग्रेंट, तो उनकी फोटोज होंगी, जीआईएफ होंगे, फिर उस पर क्विज भी होगी, ऐसे 200 वर्ड कल पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, और 200 क्वेश्चन हो गए, 400 चीजें, कल आओगे ना भाई लोग सेम टाइम पे, जल्दी आओ, 35, अच्छा पढ़ लिया, द एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर चट्टोपाध्याय इज दैट, ओहो ये तो गया, ठीक है, ही टुक इज दैट ही टुक मनी फ्रॉम वेरियस चिट फंड कंपनीज, ओहो यो भी गया, एंड डाइवर्स्ट
ओहो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वंडरफुल वंडरफुल। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 36। सेम टाइम सेम जगह यही सोफा होगा। चलो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर हाइडिंग इन और हाइडेड इन, ठीक है, आर हाइडिंग इन योर फूड। ये गलत है, ये गलत है। हाइडिंग इन इन योर फूड नॉट जस्ट फॉर द मीट एंड फिश, इन योर फूड नॉट जस्ट इन द मीट नॉट जस्ट, हाँ ये भी गलत, मतलब ये भी सही है, ये वाला पार्ट भी गलत है, बट ऑल्सो फॉर टोमेटोज। हाँ यस 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 यस, ये वाला करेक्ट आंसर है। सबको क्लियर हो गया? अच्छा कोई ओनली थर्ड बता रहा है, अरे बाबा आप लोगों ने गलत कैसे कर दिया ये। यस ऑप्शन टू सही था। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट रिप्लेसमेंट थे। नेक्स्ट देखो क्विकली, चलो अभी नया टाइप आने वाला है, नया टाइप आने वाला है, बी रेडी। द SLLB प्रॉमिस, नो 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 नो, द SLLB इज सिंगुलर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो गलत है। द SLLB प्रॉमिसिंग, अच्छा हैज बीन प्रॉमिसिंग, इज प्रॉमिसिंग होना चाहिए था, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए था। मयंक, तेरे नाम क्यों आता? सुवन आर्यन, ठीक है, सुभाष मिश्रा से बात करते हैं। हेलो सुभाष मिश्रा जी, क्या हाल है? ठीक है, कुछ कर रहे हो लॉकडाउन में कि नहीं? चलो अब मेरी क्लास करने आना। आप सुनो मेरी बात, इतना मानते हो कि इस वाले पार्ट में हमारे को ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ये चाहिए था, SLB इज प्रॉमिसिंग, हैज बीन प्रॉमिसिंग, सॉरी। और पहला वाला यो गलत है, ना तो रिप्लेसमेंट सही है ना ही ओरिजिनल क्वेश्चन सही है, तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, मैं तो आंसर यही यही लगा दूंगा, सिंपल। बट एनी वे, बट एनी वे, ठीक है अब सुनो। अरे अब तुम सबका आंसर चेंज हो जाएगा, जिसने जितने लोगों ने वन वन लगाया है सबका आंसर चेंज होगा, सबका आंसर चेंज होगा। तो SLB, ठीक है, प्रोमिसेस ऑन डिमांड एक्सेस टू स्पेस, ओके, विद द रॉकेट असेंबली टेकिंग, नाउ ये तो गलत है, ये भी ये गलत है, ये तो पक्का गलत है, विद द रॉकेट, ठीक है, असेंबली टेकिंग मेयर 15 डेज। अब सुनो सुनो, रॉकेट असेंबली नहीं है, विद रॉकेट असेंबलिंग, रॉकेट को असेंबल करना, यो भी गया। ऐसा लग रहा है कि रॉकेट असेंबली कर सभा कर रहे हैं, एक रॉकेट कह रहा है भाइयों बहनों मैं बहुत ऊंची उड़ान भरता हूं, मैं मार्स की, ठीक है ना, वहां तक उस ऑर्बिट में गया था। दूसरा रॉकेट कह रहा है भाइयों बहनों सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता हूं। अरे असेंबली नहीं हो रही थी, क्या है असेंबलिंग, जैसे ये वॉच है इसको असेंबल करना, ये लगाया ये लगाया ये लगाया। गॉट माय पॉइंट? अच्छा अंशिका वाजपाई, वेल प्लेड वेल प्लेड, बोला कि मैंने आंसर नहीं लगाया। मेरी क्लास में गलतियां करो, ठीक है, मेरी क्लास में गलतियां, समझ गए, नन ऑफ द ऑप्शंस। आगे बढ़ो, रेडी फॉर द न्यू टाइप, रेडी फॉर द न्यू टाइप, मजा आ रहा है कि नहीं बोलो, लिख दो, आर यू इंजॉइंग? चलो, फॉर ईच क्वेश्चन फोर सेंटेंस आर गिवेन, वन ऑफ द सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ओ हो, यही है सच्चाई, ठीक है ना, इधर आ जाओ, ठीक है इधर देखो मैं, ठीक है ये अच्छे से पढ़ लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो दिमाग में। वन ऑफ द सेंटेंस इज, मैं खुद भूल जाता हूँ ना एक्चुअली आपसे बात करने के चक्कर में। वन ऑफ द सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, अच्छा चूज द ऑप्शन विच मींस द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, और वन ऑफ द सेंटेंस, ओके ओके, गलती निकालो, गलती निकालो। अंकिता, यहाँ पे कोई अंकिता भी है ना? अंकिता कुमारी आपका नाम आ गया, कोई शीला भी है क्या यहाँ पे? नहीं है, ओके गो फॉर इट, इनकरेक्ट पर निकालो, इनकरेक्ट इनकरेक्ट।
अंकिता वुड नॉट हैव डन ऑल दिस, अंकिता ने सब ये नहीं कर पाया होता इफ शी हैड नॉट बीन इंस्टिगेटेड बाय हर सिस्टर, अगर उसकी सिस्टर ने भड़काया ना होता तो अंकिता ने आज ये नहीं कर पाया होता, समझ गए। तो ये थर्ड कंडीशनल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यू गाइस। मिश्रा जी, सुभाष मिश्रा, क्या कंडीशनल आपने पढ़ा है कहीं पे? मेरी क्लास में जरूर पढ़ना, ठीक है? एक आई होप ये लॉकडाउन में ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो जाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? चलो, ये करेक्ट है। इफ वाले पार्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, इधर वुड हैव बी थ्री होता है, ये करेक्ट है। सब लोग देखो, आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो, बट अपना डाउट पूछ लिया करो, चलते चलते। हाँ, राहुल शिवराम, हाय, आई एम गुड, थैंक यू। थर्ड में बता रहे हैं, चलो। देयर वर रिपोर्ट्स अ फ्यू मंथ अगो बिफोर द सोमालिया सेशन कमेंस्ड दैट द फाइट वुड स्टॉप, करेक्ट है। शीला विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड टू प्ले टिल सी डज नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जब तक वो काम पूरा नहीं कर देती उसको फ्यूचर में अलाउड नहीं होगा, करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। वाटर सप्लाई सिस्टम इन पुणे इज एज गुड एज इन दिल्ली, ऑल आर करेक्ट। फाइव, नेक्स्ट देखो, ओहो, नेक्स्ट देखो, 39, वो करेक्ट था गाइज, देयर वाज नो एरर एट ऑल। सुवन आर्यन, यार सारे सही थे, यू आर करेक्ट। राजेश्वरी, हाय, यस राजेश्वरी, यस। नेक्स्ट देखो, मीनाक्षी अलोंग विद हर टू यंगर ब्रदर्स, अरे सुनो सुनो, अभी मैंने ये रूल बताया था, प्लीज रेज योर हैंड और दुनिया को बताओ जा करके कि हाँ तुम अभी पढ़ रहे थे और तुम पिछले आधे घंटे से लाइव हो, यू डिजर्व एप्रिसिएशन कि तुम कुछ सही कर रहे हो, बताओ। अलोंग विद पढ़ाया था मैंने, एक सब्जेक्ट ये रहा, सब्जेक्ट ये वाला, और फिर ये सब्जेक्ट ये रहा एस टू, तो ये जो वर्ब होगी ना पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, किसके केस में, अलोंग विद, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनके केस में, याद रखोगे, ठीक है, अभी बताया था मैंने। यस यस, पीडीएफ अवेलेबल, यस पीडीएफ अवेलेबल, इंग्लिश बाय नरेन सर, माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है, प्लीज ज्वाइन इंग्लिश बाय नरेन सर, सुन आ रहे हैं, लिख देना दो तीन बार, इंग्लिश बाय नरेन सर, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, इधर आ जाओ, ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है भाई। गोइंग टू हैदराबाद टू नाइट बिकॉज हर मदर इज स्टिल देयर, वेयर मल्लिका वेंट, मल्लिका कहाँ गई, एंड वेयर सी लेफ्ट हर नोटबुक, और वो उसने अपनी नोटबुक कहाँ छोड़ी, आर नॉट नोन टू हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को नहीं पता आज मल्लिका कहाँ गई थी, वो अर्जुन कपूर के पास गई थी। ऑल राइट, कितने लोगों को जोक समझ में आया, तो ये करेक्ट है। वी जॉइंटली स्टेट दैट इट इज एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर फॉर अस, एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर फॉर अस, एंड हेंस वी डू नॉट विश टू कमेंट फर्दर। अब इधर देखो, नॉट टू स्पीक ऑफ फियास्को इवन अ कैलामिटी, फियास्को मतलब होता है ग्रेट डिजास्टर, ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ फियास्को इवन अ कैलामिटी, कैलामिटी जानते हो क्या नाम है, जब बर्बादी होती है, इवन अ कैलामिटी डज नॉट अफेक्ट रिचार्ज हाई स्प्रिट, फोर करेक्ट है, तो इसका मतलब थर्ड में ही पंगा है। अब क्या पंगा हो सकता है बताओ एक बार, कुछ समझ में आ रहा है आपको, बफरिंग हो रहा है, शादी पुराने प्यार से ही होगी, हाँ रेफरेंस कर लो। तो वी जॉइंटली स्टेट दैट इज एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर फॉर अस, एंड हेंस वी डू नॉट, दैट इट इज एक्सट्रीमली पर्सनल मैटर फॉर अस, एंड ठीक है, हेंस को हटाओ, एंड वी डू नॉट विश टू कमेंट, ठीक है, फर्दर, ठीक है, ये वाला हेंस हटाओ क्योंकि एंड भी लगा है और हेंस भी लगा हुआ है। नरेंद्र शर्मा जी सर, टू में इज नॉट नोन नहीं आएगा क्या, आओ मैं चेक करता हूं, थर्ड वाला गलत है, अब टू में आ जाओ, वेयर मल्लिका वेंट, मल्लिका कहाँ गई थी, मल्लिका कहाँ गई थी, एंड
वेयर सी लेफ्ट अ नोटबुक, और देखो एक कहानी ये है, एक कहानी ये है, प्लूरल हो गया, आर नॉट ऑल। अरे नरेंद्र शर्मा जी, सर जी, एक कहानी ये, एक कहानी ये, दो कहानी मीन्स प्लूरल कहानी, अ नॉट नोन टू हर हस्बैंड। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड गलत था वहां पे। चलो नेक्स्ट देखो गाइस। ओके, मुझे चार्जर यूज करना पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, चलो अब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ो। Nobody knows when success will knock at her door. किसी को नहीं पता कि उसे कब सक्सेस मिल जाएगी। अब ब्रेक करते हैं, आओ। Nobody knows when success will knock at her door. Correct. Was ABBA a word? She would fly. अरे सुनो, If I were the Prime Minister of India, भाइयों बहनों, मैं आपको फ्री में जॉब दिला देता, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए भी दे देता मैं। भाइयों बहनों, याद है ना, विशफुल थिंकिंग, इमेजिनरी सिचुएशन, फॉर इमेजिनरी सिचुएशन बी यूज वर, WERE, चाहे राम सीता बबीता कविता, या कर्ण अर्जुन हो, या राजो सिमरन हो, कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल डज नॉट मैटर। इफ इट्स अ विशफुल थिंकिंग, वी यूज WERE। याद आ रहा है कि नहीं? और सुनो, हाँ, और कई बार ये इन्वर्जन, यहां पे इन्वर्जन की तरह यूज हुआ है। देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, सब लोग सुनो। इफ, ठीक है ना, ए बी एच, इफ आभा वर अ वर्ड, एक तरीका ये होता है। मैं आपको इन्वर्जन पढ़ाऊंगा, कंडीशनल पढ़ाऊंगा, मैं जरूर मेरी क्लास करना, उसी का है ये कॉन्सेप्ट। मेरे पुराने बंदे जानते होंगे, शिखा और उससे पूछो आप, ठीक है, भावनागर यहां पे है तो उससे पूछो। तो सुनो, एक तरीका होता है नॉर्मल कंडीशन, मतलब इफ के बाद लिखो, इफ आवर वर अ वर्ड, अगर वो चिड़िया होती तो वो जाकर के हर जगह आसमान में उड़ती रहती, एक ये तरीका होता है। द सेकंड वे टू राइट कंडीशनल सेंटेंस इज रिमूव इफ और Put auxiliary verb before the subject. कितने लोग इसको जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं, wait for my classes. Okay? Wait for my classes. दो तरीके होते हैं। If our were a friend, normal conditional sentence. And we can write conditional sentence using inversion. Auxiliary verb को पहले ले जाओ, if को हटा दो, same story. I hope it is clear now. Were our were a word. Thank you. चलो, 41. कितने लोग इस बात को जानते थे? ये बहुत औसम कहानी है। अगर अभी समझ भी नहीं, डोंट वरी यार, पढ़ लोगे तब समझ में आएगा ना, एक बार मेरे साथ जब प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ, देव माल्या वहां से जानता है, वंडरफुल वंडरफुल, लव इट। पवन, अच्छा पवन भाई, आपने पढ़ी नहीं मेरी क्लासेस, पहले प्रॉमिस करके जाओ कि 15-20 वीडियो इस चैनल के मेरे देखोगे, ऑसम वीडियोस, ठीक है, और तब तक ये वाली चीजें भी आ जाएंगी वीडियोस में। चलो आगे देखो, द हेडमास्टर, हाँ इधर देखो, द हेडमास्टर ऑफ द विलेज स्कूल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द गर्ल्स एंड, अरे बाबा सुनो, कितने लोगों को पता है कि लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है यार, ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, मी होगा, सिंपल। स्वाति निमेश, वंडरफुल, नहीं मालूम था इन्वर्जन वाला, तो किसको नहीं पता, दीपशिखा, अगर आपको नहीं पता था कोई बात नहीं, आप तो रेगुलर हो तो आपसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सीख जाओगे, मैं बता दूंगा। तो पहला वाला ही गलत निकला यार, जब ये गलत निकला तो मैं आगे क्यों जाऊं। नेक्स्ट देखो सब लोग,
ये देखो नरेंद्र, एक तो मेरा नाम नरेंद्र है, एक हमारे पास सर जी भी यहाँ पे नरेंद्र जी, और इधर भी नरेंद्र आ गया। देखो भाई मोहब्बत हो रही है यहाँ तो। चलो आओ इसको देखते हैं। रमेश एडवाइज्ड, ठीक है, हुम हिज वाइफ टू डू एज ही डिड, जैसे उसने किया था, बोला कि तू भी ऐसे ही कर। बट हिज वाइफ डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस, लेकिन उसकी बीबी ने नहीं सुनी, क्योंकि बीबी यहाँ की हमेशा कौन सुनता है, हस्बैंड सुनते हैं। रमेश जी ने इतना बड़ा, देखिए कितना कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम, ब्रेव, बहुत ब्रेव वाला, कि अपनी वाइफ को एडवाइस दे रहे थे, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, वाइफ एडवाइस देंगी, ऑर्डर देंगी। एनीवे तो ये करेक्ट है, रमेश एडवाइज हिज वाइफ टू डू एज ही डिड बट हिज वाइफ डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज। चलो तो ये तो करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट। नॉट जिम एंड हिज ब्रदर्स, अरे सुनो 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 सुनो, दुनिया वालों स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो जाओ। किरण, किरण रोतेला, किरण सुनो, किरण सुनो भाई, कितने लोगों को पता है कि नॉट के साथ बट का पेयर आता है, और तालियां बजाओगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम पहले से जानते थे। एनीवन, कौन है भाई बोलो। ठीक है, नॉट जिम एंड हिज ब्रदर बट हिज ओनली सिस्टर हैज सीक्रेटली, तो पता ही क्या है, ये वाला यहाँ से सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब करेक्ट है। बट ओनली हिज सिस्टर हैज सीक्रेटली टेकन योर फोटोग्राफ्स एंड सेंड देम टू योर फ्रेंड्स, नॉट बट करेक्ट होता है। चलो सर, एनी नेगेटिव वर्ड है ना, तो नॉट आना सही है साथ में। चलो मैं इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को पता है मेरे को क्या इरिटेशन फील होती है, कि जब हर बच्चा सेम डाउट लेके कैसे घूम रहा है, मतलब ये वायरस किसने फैलाया है, ये एनी को हर कोई नॉट लेके चल रहा है। अरे भाई निगेटिव सिचुएशन में ही एनी परफेक्ट है। एनी बचपन में जब पैदा हुआ था तो उसको पंडित जी ने बोला, जब वो 2 दिन का था, 1 दिन का, कि बेटा तुम्हारा काम पता है क्या है, जब निगेटिव सिचुएशन हो वहीं तुम जाना, वहां तुम्हारी जरूरत होगी, किसी नेगेटिव वर्ड के साथ ही लगना, तुम नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव कोई और होगा, तुम उसके साथ जाकर के कॉम्प्लीमेंट करना। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव स्टोरीज, इन पॉजिटिव स्टोरीज बी यूज सम। ओके, आप लोग ऐसे मिस्टिकन कहां से हुए हो, किसने पढ़ाया है, मुझसे मिलवाओ उस बंदे को। एनी हमेशा आता ही है नेगेटिव स्टोरी में, समझ गए सब लोग, जल्दी बताओ, हैव यू अंडरस्टूड। एनी निगेटिव नहीं है, एनी निगेटिव वाली कहानियों के साथ बैठता उठता बैठता है, सूटेबल है वो। इज इट क्लियर। चलो चलो, तो ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। मैनी ऑफ द मेंबर, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स वर, मैनी वर नॉट प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट वैन इंपॉर्टेंट इशू वर टू बी डिस्कस, जो इशू होने वाला था। थर्ड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। हाँ अब इधर, द ओनली डॉटर, ठीक है, द ओनली डॉटर ऑफ भवानी सिंह, ठीक है, कुमारी वो, ठीक है, फेल इन लव विद नरेंद्र सिंह, ठीक है ना। ओके, हु वॉज फ्रॉम मॉडेस्ट फैमिली, ये वायरस डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाने वालों ने डाला है। हाँ प्रियंका शाह सही बोल रहे हैं आप, आपने सही बोला, डायरेक्ट जो क्वेश्चन कराते हैं ना वो आपको टपिकेशन करा देते हैं। बट कोई बात नहीं, यहाँ आ गए हो, सही जगह आ गए हो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, तुम्हारी जो उल्टा सीधा सोचते हो वो सारी चीजें मैं आयरन आउट कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, चलो नेक्स्ट देखो, आओ नेक्स्ट टाइप करते हैं। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट, वेदर इज एनी एरर इन इट।
द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अच्छा, मार्क द पार्ट विद एरर एज आंसर, देयर इज नो एरर. ओके, ये तो सिंपल वाला यार, गो फॉर इट. पार्लियामेंट. ओके ओके, मैं चेक करता हूँ. हाँ हाँ, सचिन यादव, वो भी रेडी कर रहा हूँ मैं. थोड़ा सा बिजी इतना ज़्यादा हो गया कि वो मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन मैं कर दूंगा उसको और प्रॉपर तरीके से लेके आऊंगा मैं, डोंट वरी. अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन में आपको बहुत डाउट है, मैं बताता हूँ, पहले ये कर लो. अरे रुक जाओ भाई लोग, बताता हूँ मैं, बहुत डाउट आ रहा है आपको, हो सकता है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो. द फ्लावर्स एंड द मॉस आर डिहाइड्रेटेड एंड, ठीक है, DYED एंड डाइड. ये गलत है, चलो ये गलत है सेकेंड पार्ट. आओ इधर आ जाओ, इसमें कहाँ का प्रॉब्लम है. देखो, द ओनली डॉटर ऑफ द लेट पहुंची कुमारी, ठीक है. अरे सुनो सुनो यार, ये फॉर कैसे हो सकता है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है. पास्ट टेंस पूछो कैसे, प्रेजेंट में अगर लिखोगे तो इसका मतलब प्रेजेंट स्टोरी पता हम कब यूज करते हैं, कि जब मैंने, जब स्टोरी हर रोज ट्रू होती है, मतलब कुमारी फॉल्स इन लव विद नरेंद्र सिंह, मतलब हर रोज फॉल इन लव होती है, ऐसा भी नहीं होता है. शुरू के 2 महीने तो होता है वो बाबू सोना, उसके बाद नहीं होता है. आई पॉइंट इज, प्रेजेंट सिंपल को बहुत केयरफुली यूज किया करो. कितने लोगों को मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे हार्ट की तरह है, बहुत नाजुक है, फ्रेजाइल है, कभी भी डालोगे टूट जाएगा नीचे. हैंडल विद कॉशन, केयर. ओके, कैसे, प्रेजेंट सिंपल आता है डेली हैबिट्स, एवरीडे स्टोरीज, ठीक है ना, कोटेशंस, डेफिनेशंस और यूनिवर्सल ट्रुथ, उनके लिए आता है हमारा. तो ये बात हर रोज थोड़ी फॉलो होता है, एक बार हुआ था प्यार मोहब्बत में, समझ गया. हाँ, वो जीरो वॉचिंग दिखाता है क्योंकि वो यूट्यूब का प्रॉब्लम रहता है इसलिए. तो ये फेल इन लव पास का स्टोरी होगा, याद रखोगे सब लोग. हाँ, अब मैं पार्लियामेंट वाला चेक करता हूं, हो सकता है कोई एरर हो सकती है उसमें. मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. अच्छा, लगता है यहां पे मिसप्रिंट हुआ है. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. आई थिंक इसको एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए था, एपोस्ट्रॉफी. मैनी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर में से कुछ लोगों को पिक किया है, ठीक है. तो मेंबर्स मत करो, मैनी ऑफ द मेंबर्स. अगर सिर्फ इतना होता, सुनो, मैनी ऑफ द मेंबर्स तो ये सही था, लेकिन यहां पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट तो एक ही होगी, तो मैनी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. एपोस्ट्रॉफी, यस, ये आई थिंक मिसप्रिंट हो गया यहां पे, मिसप्रिंट. एपोस्ट्रॉफी लगाओ, करेक्ट हो जाएगा. अब इधर आ जाओ, इसमें बताओ एरर, बताओ एरर. हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट. नो मैटर विच द वे द रिजल्ट गोज ऑन, द लीडर हैज मेड इट क्लियर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी सक्सेस रेस्ट्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड दैट देयर इज नो वन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम फॉर एनी मिस स्टेप्स. चाहे रिजल्ट जो भी हो, ठीक है, नेताजी ने कह दिया है कि जो सक्सेस, जो पार्टी की जो सक्सेस होगी, ठीक है, उसी के वही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, और अगर कोई गलत होता है तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा. ये कहानी है, चलो आओ इधर आ जाओ. नो मैटर, नो मैटर वॉट द वे द रिजल्ट गोज ऑन, फर्स्ट वाला गलत है यार. इस नो मैटर वॉट बोला होगा ना यार. चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्विकली. ये वाला गलती कैसे कर सकते हो. इट नीड्स टू स्पेल आउट. ओके, स्पेल आउट वॉट, ठीक है, स्पेल आउट वेयर इट स्टैंड्स ऑन द इकोनॉमी. ओके,
सोशल इंक्लूजन, माइनॉरिटी राइट्स, कमा फॉरेन पॉलिसी एंड वेलफेयर, नो एरर। ये बताने की जरूरत है, इट नीड्स टू स्पेल आउट, ये क्लियर करने की जरूरत है क्या, वेयर इट स्टैंड्स ऑन द इकोनॉमी, सोशल इंक्लूजन, माइनॉरिटी राइट्स, फॉरेन पॉलिसी एंड वेलफेयर। करेक्ट है, नेक्स्ट पढ़ो 46 देखो, 46 देखो, अ ट्रांजिशनल मोमेंट सच एज, ठीक है, ट्रांजिशनल मोमेंट तो सही है, एक मोमेंट है ये वाला पार्ट, सच एज एग्जाम्पल द लीडरशिप चेंज ऑल्सो गिव्स वॉट, ऑल्सो गिव्स कांग्रेस, नो ऑल्सो गिव्स कांग्रेस द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इट्स ऑफ शूट्स सच एज द तृणमूल कांग्रेस इन टू एन अंडरस्टैंडिंग। पहला पार्ट तो पक्का करेक्ट है, तो डिवाइडर रूल यूज करो, अ ट्रांजिशनल मोमेंट सच एज द लीडरशिप चेंज ऑल्सो गिव्स, गिव्स हूम, गिव्स हूम कांग्रेस, एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इट्स ऑफ शूट्स। सुदीप दास ओके यू कैन ज्वाइन इन, ओके जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, अभी नया क्वेश्चन आने वाला है, फ्रॉम देयर यू कैन कंटिन्यू। नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, अ ट्रांजिशनल मोमेंट सच एज, एक इतना ट्रांजिशनल मोमेंट, ट्रांजिशन समझते हो ना, जब चीजें बदल जाती हैं, सच एज द लीडरशिप चेंज, सोनिया गांधी से राहुल गांधी आ गया, राहुल गांधी सोनिया गांधी आ गया, ठीक है, लीडरशिप चेंज ऑल्सो गिव्स, ठीक है, हुम कांग्रेस वॉट एन अपॉर्चुनिटी, कांग्रेस ऑल्सो गिव्स कांग्रेस वॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इट्स ऑफ शूट्स सच ए तृणमूल कांग्रेस इन टू एन अंडरस्टैंडिंग। चलो उनके साथ बना के रखने की बात है, अब 47 देखो, अभी इनकरेक्ट, सुदीप दास फाइंड द इनकरेक्ट वन, वी हैव 4 पार्ट्स ना, इनकरेक्ट गलत ढूंढना भाई, गलती निकाल। चलो विद द पार्टी रूलिंग इन हाफ डजन स्टेट्स, ओके ये देखो वेद आता है, विद द पार्टी रूलिंग इन हाफ डजन स्टेट्स, करेक्ट है, एंड आई एन जी, लेडीज एंड जेंटलमैन लेट मी प्रेजेंट यू पैरेललिज्म, रेज योर हैंड इफ यू आर अ फैन ऑफ पैरेललिज्म, इफ यू कैन सी इट, एंड प्रॉमिस करो कि सर वी विल कीप वॉचिंग योर वीडियोज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ऑल द न्यू फिनोमिनास विच नोबडी टचेज इट, ओके बोलो, विद द पार्टी रूलिंग इन हाफ डजन स्टेट्स एंड रनिंग, एंड द पार्टी रनिंग, एंड लिखा हुआ है तो इधर आई एन जी एंड इधर आई एन जी, ओके तो ये वाला, ठीक है, लो पेसेंस बिग्स सच एज उत्तर प्रदेश ने स्मॉलर ट्रेन लाइक दिल्ली, द चैलेंज ऑब्वियस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड गलत था, ओके न्यू डायरेक्शन 48 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज फॉर सेकंड थर्ड गिवन इन द बिलो स्टेटमेंट शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंट बिलो लेटर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, रिप्लेसमेंट होने वाला है भाई, चूज द बेस्ट ऑफ द फाइव टू द रिप्लेस द कोर्स यूज द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रामेटिकली करेक्शन। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास में पूरा सेंटेंस, और ये है बोल्ड पार्ट, दिस इज बोल्ड पार्ट, Had I realized your house was such a long way off, अगर मुझे पता होता तुम्हारा घर इतना दूर है, ठीक है, कितने लोगों को ये दिख रहा है कि this is case of third conditional, कितने लोग इसको देख पा रहे हैं, Had I realized, मैंने वहीं से पता कर लिया था, ये inversion यूज हुआ है और conditional, ये दो phenomena इसमें लगी हुई है, conditional sentence है और inversion, inversion कैसे होता है, ये देखो subject से पहले verb आ रखी है, हो गया inversion, अब पास्ट परफेक्ट है तो इधर वाला क्या होगा, वुड हैव प्लस बी थ्री, ये देखो तुरंत लगा दो आंसर, तो बताओ कौन सा होगा, सॉरी बताओ, हाँ कितने लोगों ने किया है,
ठीक है, हैड आई रियलाइज योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई, ठीक है सॉरी ये तो करेक्ट, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी, ये नहीं हो सकता, आई कुड हैव टेकन। सुनो, कुड माइट और वुड तीनों अलाउड होते हैं। इफ आई हैड कॉल्ड हर, सुनना, इफ आई हैड कॉल्ड हर कॉमा आई वुड हैव मैरिड हर, आई कुड हैव मैरिड हर, आई माइट हैव मैरिड हर। तो कुड माइट और वुड तीनों एक्सेप्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये सही है, ये सही है, ये कहाँ गया ये वाला, और ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड कहाँ है भाई, ये वाला। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका असली वी हैड रीच्ड द ऑफिस वैन। सुनो 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 दुनिया वालों, पहले आप आंसर कर दो फिर बताता हूं मैं आपको। सुनो, व्हेनेवर एनी नेगेटिव वर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस ऑलवेज 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 इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन, इन्वर्जन, पता है इन्वर्जन क्या होता है? ये सेंटेंस जा रहा है, देख रहे हो ये सेंटेंस जा रहा है, और ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, कैसा नेगेटिव वर्ड, तो पता है फिर क्या होगा? ठीक है, फिर वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है। क्लियर? इसका वी हैड नहीं होगा, इसका असली हैड वी होगा। बोलो बोलो बोलो। तो ये करेक्ट है, और ये भी, और हार्डली इसका असली स्वैप हो सकते हैं आपस में, समझ रहे हो? कर्ण अर्जुन एक दूसरे पे सिमिलर हैं, ट्विन्स हैं ये, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, दे कैन बी, दे आर इंटरचेंजेबल, सिमिलर स्टोरी, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो ये वाला आंसर है। चलो नेक्स्ट, द परक्विसाइट्स अटैच्ड टू दिस। अच्छा सुनो 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 सुनो, सॉरी सॉरी, नो नो बुक, आई वॉन्ट द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। एक होता है प्रीरिक्विसाइट, PRE, ठीक है ना, QUISIT, प्रीरिक्विसाइट्स होता है, एक होता है परक्विसाइट्स। इसमें डिफरेंस आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर एग्जामिनर ने पूछा है, फिलहाल आंसर मत को जो, मुझे परक्विसाइट्स का मीनिंग बताओ, कोई जानता है क्या? बाय द वे, जो हमें किसी जॉब के साथ में जो एक्स्ट्रा बोनस मिलते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑफर मिलते हैं ना, एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, वो परक्विसाइट्स होते हैं। चलो आगे बढ़ो, देव माल्या, जब मैं कह रहा था तो अच्छे से सुना करो, could have done, might have done, would have done, तीनों करेक्ट होते हैं, that's it, याद कर लो। थर्ड कंडीशनल जब होता है तो इफ वाले एरिया में होता है हेड प्लस बी थ्री, जो दूसरी क्लॉज होती है, रिजल्ट क्लॉज होती है, उसमें could have done, might have done, would have done, तीनों एक्सेप्टेबल होते हैं। मेरा रिवीजन कर लेना मेरे साथ, अब आ जाओ एडिशनल पर्क्स। हाँ चलो आ गया हो, तो हम कहाँ थे? हाँ आंसर बताओ इसका, द परक्विसाइट्स अटैच्ड टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। ठीक है, लंदन में आपको, आपको थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा, समझ, हांगकांग जाने का मौका मिलेगा, अमेरिका जाने का मौका मिलेगा, ठीक है, हर रोज फाइव स्टार में मजे लो, ठीक है। चलो कोई आंसर बता रहा है? तो द परक्विसाइट अटैच्ड, ठीक है ना, ओके, अटैच्ड विद दिस जॉब, विद दिस जॉब मेक्स इट, ये करेक्ट है। ये नहीं होगा, मेड इट, मेड से गलत हो गया ये तो, ठीक है, और मेड से गलत हो गया, द परक्विसाइट अटैच्ड टू दिस जॉब, ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ थर्ड वाला वेरीफाई करने की जरूरत है मेरे को, मुझे वेरीफाई करने दो, आपने आंसर क्या कराए? चलो द परक्विसाइट अटैच्ड विद दिस जॉब, ये तो पक्का सही है। विद दिस जॉब, क्योंकि ये तो मेड से पक्का गलत हो गया, द परक्विसाइट अटैच टू, ठीक है ना, अटैच टू दिस जॉब मेक इट, मेक्स इट, यार फिर तो ओनली फर्स्ट होना चाहिए, ओनली फर्स्ट कहीं पे है क्या? ये वाला आंसर होगा। हाँ भाई क्लियर हो गया, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट।
नेक्स्ट देखो, चूज ओनली सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट, सिर्फ ऐसे दोस्त चूज करो जिन पर भरोसा कर सकते हो। बताना एक बार, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, आग लगा दो। ओनली सच फ्रेंड्स हुम यू कैन ट्रस्ट, ठीक है, ये तो सही है। हु यू कैन ट्रस्ट, यू मे नहीं होगा, ठीक है, एज यू कैन ट्रस्ट। ओनली चूज ओनली सच फ्रेंड्स हुम यू कैन ट्रस्ट, जिनको आप भरोसा कर सकते हो, हुम चाहिए हमको। फर्स्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड। बाउंडिंग जानते हो, बुक को जब बाउंडिंग किया जाता है, उसका प्रॉपरली उसमें डिजाइन लगाई जाती है, सॉलिड बनाया जाता है, फट ना जाए। हम लोग बाउंडिंग कराते थे ना, मैं तो मुझे याद आ रहा है 11th 12th में मैंने बाउंडिंग करवाई थी, आई थिंक वही है शायद। चलो द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड, अच्छे से एग्जाम्पल दिए गए, एन अट्रैक्टिव बाउंड, ठीक है, ओके, दैट मेक इट ऑल टुगेदर, अच्छा, विच मेक्स ऑल टुगेदर एन, ओके, मेकिंग इट ऑल टुगेदर, देखो एन हमारा क्या लास्ट में आएगा, एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, तो ये वाला गया गलत, ठीक है, और ये तो पक्का गलत गया। द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिव बाउंड which makes altogether an, ठीक है ना, ना 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 ना, ये भी गलत गया, only third correct होगा, only third, ये वाला क्लियर हुआ, ये वाला जल्दी बताओ। सर इन क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में पर्क्स प्लूरल था, that's why you opted for option one। ओके, मैं चेक करता हूँ। हाँ, द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, ठीक है ना, और तो ये वाला तो गया क्योंकि इसमें एन नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए, और विच बाउंड विच मेक्स ऑल टुगेदर एन, मेकिंग इट, ओके, हमें एक प्रोनाउन चाहिए, तो प्रोनाउन यहाँ वाले में लिखा हुआ है, ये वाला भी गलत, ओनली थर्ड आंसर है इसका। हाँ मैं देख रहा हूँ किरण, 50 वाला देख रहा हूँ, रुको, वेट करो, टू ऑप्शन क्यों गलत है, विच मेक्स, अरे विच मेक्स, एक बात बताओ किसको, वी नीड अ रेफरेंस ना, प्रोनाउन रेफरेंस चाहिए, विच मेक्स राहुल, विच मेक्स इट, तो बुक के लिए इट आएगा कि नहीं, वी नीड अ प्रोनाउन, यहाँ देखो ना प्रोनाउन मिसिंग है। देखो अच्छा, कितने लोगों को पता है कि मैंने वर्ब से आपको क्वेश्चन पूछना पड़ा है, मैंने बोला है कि वर्ब से पूछा करो, हु पूछा करो, वर्ब से व्हाट पूछा करो, ठीक है ना, वर्ब से वेयर पूछा करो, ठीक है, व्हाई पूछा करो, मैंने ये क्वेश्चन पूछना बताया हुआ है आपको, विच मेक्स हुम ऑल टुगेदर नाउ विच मेक्स इट, अब क्लियर हो गया, बता दो। अच्छा 50 वाले में क्या प्रॉब्लम आई है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम था भाई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बट एनीवे फिर भी देख लेते हैं। वो द परक्विसाइट्स अटैच्ड टू दिस जॉब मेक्स इट, ओके, the perquisites attached with this job makes it even more attractive, correct है, और ये वाला, ये made बिल्कुल गलत हो गया था, past tense ये गलत हो गया था, the perquisites attached to this job make it, अरे भाई कितने अजीब आदमी हो तुम लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, देखो आपने टाइम वेस्ट कर दिया कि नहीं,
अब क्या करें, आपका अगर ठीक है ना, डाउट ना लो, ये इट किसके लिए आया हुआ है एक बात बताओ, ये जो मेक है किसके लिए आया हुआ है, जॉब के लिए आया हुआ है भाई। गाइस एग्री करते हो बताओ, ये परक्यूसाइट्स के लिए मेक नहीं आया हुआ है, द परक्यूसाइट अटैच्ड टू दिस जॉब। ठीक है, ठीक है, ये वाला करेक्ट था हमारा। चलो एनीवे हम कहां तक आ गए थे, 52 हो गया था। ओके अब नया डायरेक्शन ट्राई करते हैं। जॉब सिंगुलर फिनोमिना थी, सिंगल स्टोरी के लिए हमने मिक्स किया था। आओ ये देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, अरे उस कंफ्यूजन को छोड़ो अगर नहीं आ रहा समझ में। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल इडियोमेटिक एरर इन इट, द रिवन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर इफ देयर इज नो एरर। ओके चलो 53 सिंपल क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। सी हैड ऑफर्ड अ टेम्पररी असाइनमेंट बट सी टर्न्ड इट डाउन, ओके सेइंग दैट सी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन। अच्छा सुनो, अब ये एक्टिव पैसिव का एरर है। She had offered, ऐसा लग रहा है कि उसने किसी को ऑफर किया है, बताओ यस और नो। She had offered, उसने ऑफर किया what या whom, किसको, उसने किसी को ऑफर किया या फिर उसने क्या ऑफर किया। A temporary assignment, अभी पता नहीं चला किसको किया है, लगता है इसी को हुआ है। अगर इसी को हुआ है तो she had been, she was offered, ये वाला पार्ट गलत है। ठीक है ना, she was offered a temporary assignment, या फिर she had been offered a temporary assignment but she turned it down, और उसने मना कर दिया, that she would accept only permanent one। okay clear हो गया। देखो सब लोग clear हुआ, always देखा करो active होगा कि passive होगा, meaning सही आ जाता है। try this one, all the parties whose presidents were asked to resign, all the parties, ठीक है ना, whose presidents were asked to resign were involved, all the parties were involved, whose presidents were, yes के लिए आया हुआ है, were involved in international activities, ये no error है, no error। next word हो, next word हो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे कर लो, आपको बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि हाँ यार इन, और नोटिस करना कि कैसी एरर आ रही है, वर्ब की आ रही है, प्रीपोजिशन की आ रही है, कंजक्शन की आ रही है, इनवर्जन आ रहा है, कंडीशनल आ रहा है, ऑब्जर्व जरूर करना, कुछ नया आए तो लिख लेना प्लीज, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरी क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, महेश हु वॉज जूनियर, ये तो जूनियर टू होता है ना भाई, जूनियर टू सीनियर टू याद है ना, तो ये तो भी गलत है। चलो, what should we do is a matter of our own choice and desire। हाँ बताओ, चलो ये बताओ, इसको देखते हैं, ये चैलेंजिंग है, देखते हैं कौन करता है। Is a matter, ये तो सही है, of our own choice and desire, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। First वाले में क्या हो सकता है, hello hello hello, do you see any interrogative sign here, is there any interrogative sign, no this is not a question, What is your name? And question mark. वो question होता है, ये question नहीं है, statement है। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, ये हमारी choice है, ये तुम्हारी choice नहीं है। तो please understand कि हर WH word interrogative नहीं होता है, तुम मारे गए सबके सब। तो what we should do? जब interrogative होता है तो subject उससे पहले auxiliary आती है, लेकिन when it is not interrogative तो what we should, समझ गया, समझ गया, बोलो बोलो बोलो, have you understood?
विक्रम अधिकारी, सुषमा सिंह, यस, गॉट माय पॉइंट, विल यू कीप इन माइंड। अच्छा एक फन फैक्ट, फन फैक्ट, ये व्हाट, ठीक है, सिंगुलर होता है, ठीक है। और दूसरा दूसरा फन फैक्ट, किसी को याद है सुबह 8 बजे द हिंदू की क्लास होती है, मैंने पढ़ाया था कि व्हाट एक रॉयल बंदा है। अभी बता देता हूं जब बात आ गई है तो, व्हाट एक रॉयल बंदा है, व्हाट अपने आगे किसी को नहीं लेता है। जब कोई मीटिंग होती है तो मोदी जी हमारे हमेशा फर्स्ट चेयर पर बैठते हैं, क्योंकि कैमरा का एंगल वहां से बहुत अच्छा होता है। माय पॉइंट इज कि उनके आगे और कोई नहीं हो सकता, समझ गए सब लोग, ऑल राइट, ठीक है। तो अगर आप, अगर मैं आपको बोलूं कि टू व्हाट आर यू रेफरिंग, अच्छा बताओ गलत गलत तो सही, टू व्हाट आर यू रेफरिंग, यहां पे एक बंदा है, किसका नाम लूं मैं, रोनी, रोनी इज अ गाय, रोनी बोल रहा है, ठीक है, मेरे से कि सर वो वाली बात आपने ठीक नहीं बोली। मैं कह रहा हूं रोनी भाई, टू व्हाट आर यू रेफरिंग, गलत हो गया, व्हाट आर यू रेफरिंग टू, व्हाट के आगे नो प्रीपोजिशन, व्हाट के आगे नो दुनिया, नो दुनिया, कि याद रखो एक नंबर का एरर आता है, इसलिए इतना हाईलाइट कर रहा हूं मैं इस पे, और तुम्हें कदम नहीं चलेगा। इसके आगे कोई नहीं है, व्हाट इज अहम ब्रह्मास्मि। तो व्हाट पे दो बातें सीखे हम लोग, व्हाट सिंगुलर और व्हाट के आगे कोई रॉयल बंदा है। चलो आप समझ चुके हो, तो इसमें इसमें क्या था, इसमें एरर थी। नेक्स्ट 57 देखो, मदन कुमार, थैंक यू मदन। चलो फास्ट करते हैं, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी, तुम सारा पैसा नहीं निकाल सकते, अनलेस, अरे बाबा अनलेस और अंटिल, ये दोनों ही क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नॉट नहीं आता है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। अनलेस और अंटिल पर दो मैंने वो बताई थी, क्या बताई थी, एरर्स, अनलेस और अंटिल बोथ आर नेगेटिव, हैंस नो नेगेटिव वर्ड। अच्छा पता कौन सी एरिया में, सुनो 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 सब लोग सुनो, न्यू गाइज तुम ज्यादा परेशान होते हो, बहुत घमंडी होता है, यस, कि देखो एक क्लॉज ये दिख रही, क्लॉज क्लॉज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्टे विद मी, ये क्लॉज है, सी एल ए यू एस, क्लॉज, व्हाट डज दैट मीन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, उसका एक अपना मीनिंग हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्लॉज। अच्छा अब दूसरी क्लॉज एक यहां से स्टार्ट हो रही है, दिख रहा है आपको, इधर तक जा रही है, तो सुन इस वाली क्लॉज का तो नॉट अलाउड है, लेकिन यहां अनलेस लगा है ना, इसलिए इस वाले का अलाउड नहीं है। आप लोग रट्टा फिक्सन क्या करते हो, प्रियंका शाहू, समझ गए, जो आपने बोला था कि टीचर लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, आप लोग क्या करते हो, तुम ये वाला भी नॉट हटा देते हो, ये मत करना, इज इट क्लियर, बोलो बोलो बोलो, ये पहला मिस्टेक है, और दूसरा मिस्टेक आपका स्टूपिड मिस्टेक है। अब तीसरा मिस्टेक सुनो, तीसरा मिस्टेक सुनो, कि अनलेस और अंटिल स्वैप हो जाते हैं, अंटिल सोस टाइम, तो अगर टाइम की कंडीशन है तो अंटिल ले जाना, अदरवाइज अदरवाइज अनलेस ले जाना, ये लोग भी मिसप्लेस्ड होते हैं, एक दूसरे की जगह बैठ जाते हैं, राम और लक्ष्मण, ठीक है, सो कीप इन माइंड। तो सी में गलती थी, ये हमारा गलत था, मैं ये रिविजन करा दूंगा, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवमाल्या, थैंक यू, ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली रिटन। अरे मैंने हजार बार बताया होगा, फिर भी मैं बताऊंगा हजार बार, हम एक एक नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सबको आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 25 से ज्यादा नंबर, अगर तुमने मेरे पुराने सारे वीडियोस देख लिए तो, और आने वाले वीडियो देख लिए, अब आपके पास 2-3 महीने हो गए प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, इंग्लिश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर लेके आना, प्रॉमिस करो, उम्मीद दिलाऊंगा, बस मुझे आपकी विल पावर चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, दैट्स इट, आ जाओ। कहां थे हम लोग, चलो, ऑल ऑफ ए सडन, अच्छा इसमें करना क्या, रेडी सेंटेंस ऑफ सेंटेंस, ओके ओके सिंपल है, ऑल ऑफ ए सडन सुधीर रिमेंबर दैट, ओहो हैड होगा, सॉरी इजी था, आगे बढ़ो,
इजी था ना भाई? आई एम श्योर, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, ऑल माई, सो दैट माई, ओके, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसिस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज. अगर मैंने इकोनोमाइज नहीं करा, पैसे को मतलब अच्छे से मैनेज नहीं करा, अगर मैंने थोड़ी मतलब चिंदी चोरी नहीं करी, मैंने पैसे नहीं बचाए, तो क्या होगा? मेरी इनकम से ज़्यादा मेरे खर्चे हो जाएंगे. हाँ, तो आई एम श्योर, आई एम श्योर, ठीक है, ऑल भी लगा हुआ है, दैट भी लगा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है. आई एम श्योर माई मंथली एक्सपेंसिस वुड, मुझे ऑल यहाँ बैगाबॉन्ड लग रहा है, ये तो सही है. आई एम श्योर दैट माई मंथली एक्सपेंसिस, माई ऑल, ऑल माई हो गया, माई ऑल मंथली एक्सपेंस. आई थिंक ये ऑल बैगाबॉन्ड है, ऑल को यहां लाओ. माई ऑल मंथली एक्सपेंसिस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज. मेरे हिसाब से इस वाले पार्ट में एरर है. आप क्या बता रहे हो? आप कोई दूसरी कॉन्सेप्ट बता रहे हो, या फिर ऑल नहीं होगा? आई एम श्योर दैट माई मंथली एक्सपेंसिस वुड एक्सीड द इनकम. या तो ऑल होगा नहीं, अगर ऑल होगा तो ठीक है ना, माई ऑल मंथली एक्सपेंसिस होगा, क्योंकि ऑल माई को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है, मॉडिफाई करने के लिए ऑल आया हुआ है मंथली एक्सपेंसिस के लिए, मंथ में जितना होता है उसके लिए. बी में गलती है भाई लोग, बी में, ठीक है, बी में गलती है. वुड भी फ्यूचर को दिखाता है तो करेक्ट होगा. चलो, बाहर बारिश हो रही है. ऑलराइट, नहीं, वुड एक्सीड सही है, वुड एक्सीड सही है. चलो 60 नंबर पे आओ, ऑल गलत था वहां पे. 60 नंबर बताओ, 60. ऑल दो देयर वीजाज विल एक्सपायर इन सेप्टेम्बर, दे कैन हैव देम एक्सटेंड. अरे सुनो सुनो सुनो, अब ये वो वाली कहानी आ गई कि वेन एवर देर आर ट्रू स्टोरीज, जब हमेशा ट्रू स्टोरी होती है, या फिर कोई फिक्स स्टोरी होती है, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है तो होता है जो फिक्स्ड है, उसको हम लोग ठीक है प्रेजेंट सिंपल से लिखते हैं. प्रेजेंट सिंपल मैंने बोला था ना, हमारे दिल की तरह होता है, उसको बड़ा अच्छे से संभालना होता है, मतलब हैंडल विद केयर. अगर कोई कहानी पक्का सच होने वाली है तो वो प्रेजेंट सिंपल से होती है. कोई कोई डेफिनेशन है, कोई कोटेशन है, कोई कोई प्लान्ड है, मतलब ऐसा होगा, समझ गया? तो सुनो, इधर देखो, तो ऑल दो देयर वीजाज एक्सपायर, उनकी वीजाज पक्का एक्सपायर हो रहे हैं, बिकॉज इट्स अ फ्यूचर इवेंट विच इज फिक्स, क्योंकि क्योंकि वीजा पे स्टाम्प होता है और वो डेट फिक्स होती है, तो ये पक्का एक्सपायर हो रहा है 10 जुलाई को. All of their visas expire in September, they can have them extended for 6 month. तुम 6 महीने के लिए extend करा सकते हो, ठीक है? समझ गए सब लोग? जब कोई future event fixed planned होती है, present simple में लिखते हैं, एक tense का rule है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ो. तो B में गलती थी, B में. Next देखो, 61, 61 देखो. हार्डली एज आई स्टेप्ड, क्यों होगा यार, हार्डली, ठीक है, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, जैसे अपने घर के घर से बाहर निकला ही था, व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस, मैं देखा कुछ घर वाले, कुछ पुलिस वाले आ रहे हैं, मैं भाग गया अंदर. कर्फ्यू, कर्फ्यू, लॉकडाउन, लॉकडाउन, ठीक है, एक वीडियो आएगा, डोंट वरी. पहले तो 150 ग्रामर रूल्स भी पूरे होंगे आपके, फिर एक वीडियो ऐसे भी आएगा, टेंस की एरर अलग आएंगी, आर्टिकल एरर अलग आएगा, नाउन एरर अलग होगा, ठीक है?
होपफुली कोई एक बैच आ जाए मेरा जिसमें मैं प्रॉपर ग्रामर आपको पढ़ा पाऊं, और जब आ भी जाए जरूर ज्वाइन करना, मिस मत कर देना दोस्त, ठीक है। तो मैं न्यू पैटर्न क्वेश्चन तुम जानती हो, मुझसे बेटर कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकता है, और ग्रामर मेरे तरीके से एक बार पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा। सिर्फ वही कहानी बताऊंगा जो इस पे एरर होती है, नो एक्स्ट्रा, और कुछ बचेगा भी नहीं। 62, द लास्ट मुगल एम्प्रेस ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजन्ड, ओके, एंड वॉज लेटर सेंट इनटू एक्साइल बाय द ब्रिटिश। आएगा आएगा, पल्लवी जरूर आएगा, सब आएगा, थोड़ा टाइम दो, अकेला पड़ गया हूं ना मैं, सारा कुछ रेडी करना जरूर आएगा। मैं अच्छे अच्छे रूल्स ढूंढ रहा हूं। द लास्ट ऑफ मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉज इम्प्रेजेंट, ओके, इम्प्रेजेंट कर दिया गया था, एंड एंड ओके, नहीं 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 नहीं, द लास्ट तो एक ही बंदा होगा ना, लास्ट तो सिंगल होगा ना, सिंगल बंदा, तो वर नहीं होगा। द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रेजेंट एंड वॉज इम्प्रेजेंट एंड लेटर सेंड इन टू एक्साइल। सेंड इन टू एक्साइल बाय द ब्रिटिश। यार मेरे को ये वाला पार्ट तो, इनटू एक्साइल बाय द ब्रिटिश, ये तो सही लग रहा है, ये पार्ट करेक्ट है, ये वाला पार्ट भी करेक्ट है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रेजेंट, ये वाला भी पार्ट सही है, बस मेरे को सी वाले पार्ट में कुछ पंगा लग रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या पंगा हो सकता है, आपका क्या कमेंट आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। देखो, द लास्ट मुगल एम्प्रेस ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रेजेंट, उसको इम्प्रेजेंट कर दिया गया था, एंड लेटर सेंट, अरे याद आ गया, देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब सेम है, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही लगी हुई है, एंड लगा हुआ है, और जब सेम ऑक्सिलरी वर्ब जब आ रही है तो हमें ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, वॉज इम्प्रेजेंट एंड लेटर सेंट इन टू एक्साइल। इन टू सही है, सेंट टू एक्साइल मतलब उसको एकांत में छोड़ दिया गया था, हाँ, वॉज इम्प्रेजेंट एंड, ठीक है, लेटर सेंट होगा जब एंड लगा हुआ है। देखो सुनो सुनो, यहाँ ट्रिकी सिचुएशन है, जब एंड लगा है, सिमिलर ऑक्सिलरी वर्ब एंड सिमिलर ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये वाली मत लगा, एक स्टोरी डायरेक्ट बी थ्री लिख दो, क्योंकि ये वाली काम करेगी इधर, याद है जैसे टू के साथ होता है, टू टीच एंड क्लीन, तो एंड के बाद वो टू क्लीन होता है, लेकिन टू लिखते नहीं है। अब सुनो सेकंड स्टोरी, एंड लिखा हुआ है, यहां ऑक्सिलरी वर्ब कुछ और है, तो बी थ्री इसका अपना होगा एंड, यहां की ऑक्सिलरी वर्ब कुछ और है, वो इसका बी थ्री अपना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, लिख दो, यस, लिखो लिखो लिखो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया, इस पर एरर आती है, ट्रस्ट मी, मैंने देखा आप लोग पकड़ नहीं पाते हो, तो क्या सुनोगे। ये मैंने कहानी पुराने लोगों को बताई थी, जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, कि दो दो सिस्टर हैं, दो क्या है, सिस्टर हैं, कजिन सिस्टर समझते हो ना, ताऊ चाचा वाली, दो कजिन हैं, कजिन के साथ सिस्टर नहीं आता है ऑफकोर्स, दो कजिन हैं, फीमेल हैं, दोनों लड़कियां हैं, ताऊ की एक और एक चाचा वाली, समझ जो भी है, और सुनना, और वो हैं, और उनकी जब हम शादी करा रहे हैं तो उनके लिए दो नए बंदे चाहिए होते हैं। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं एक बार ये अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर फिनोमेना है, किसी को समझ में नहीं आती है। ये मेरे पास एंड लिखा है, तो मेरे पास में एक ऑक्सिलरी वर्ब ये है, ठीक है, प्लस, और हमारे पास में, ठीक है, और एक कोई दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब ए टू बी टू, कोई दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब ये है, तो पता है सुन, इसका अपना बी थ्री होगा, ठीक है, और इसका अपना बी थ्री होगा, इस ऑक्सिलरी वर्ब का अपना होगा और इस दूसरी वाले ऑक्सिलरी वर्ब का अपना मेन वर्ब होगा। इज इट क्लियर? हाँ, नरेंद्र शर्मा जी सुन लो फिर से, देखो सुनो, द इकोनॉमी, ओके,
मिस्टर मोदी हैज, ओके एंड, ठीक है ना, एंड एंड शुड गिफ्ट. तो सुनो, मिस्टर मोदी हैज लिखा है और एंड शुड गिफ्ट लिखा है, तो आप क्या बोलोगे कि मिस्टर मोदी हैज गिफ्टेड एंड शुड गिफ्ट. मतलब इसका एंड लगा हुआ है, दो, एक ऑक्सीलरी वर्ब अलग थी एक अलग थी, दोनों के मैन वर्ब चाहिए होते हैं अलग अलग. कई बार क्या होता है कि पहली वाली ऑक्सीलरी वर्ब लिखता है उसका मैन वर्ब नहीं लिखता है. अब तो आप ध्यान रखोगे. चलो, ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं रिपीट कर दूंगा, प्लीज मेरी क्लास में आते रहना. नेक्स्ट, न्यू डायरेक्शन. मैं प्रॉमिस करता हूं मैं रिपीट कर दूंगा जब मुझे वो दिखेगा. आओ साथ में आ जाओ. कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिक एरर, इडियोमेटिक एरर इन इट, द एरर इन एनी पार्ट विल बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ पार्ट इज द आंसर, देयर इज नो एरर, द आंसर इज ई. ओके, सिंपल क्वेश्चन, गो फॉर इट. अगर नहीं समझ में आए डरना मत भाई लोग, अभी ये प्रैक्टिस सेशन है, एरर जरूर देखना मेरी. Although these rooms are in need of repair, ये तो इजी था ना भाई, यट होगा. चलो आगे बढ़ो. ये देखो, मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड, ये भी यट होगा. सॉरी, ये भी क्या होगा, यट होगा. सबको पता है ना भाई, दो और ऑल दो में यट आता है. सॉरी, ये भी यट होगा. 65 देखो, 65 देखो. हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश स्पीकिंग. अरे यार, हार्डली फॉलोड बाई वैन, ये तो बच्चों वाले हैं, बट कोई बात नहीं, दो सेकंड में हम आंसर लगा के आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नो डिस्कशन, बिकॉज यार तो एबीसीडी वाली बात है, हमारे लिए तो एबीसीडी है, दूसरे लोगों के लिए यही डिफिकल्ट होता है, बट नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट देखो. हार्डली का असली वैन आता पता ना सबको, इसलिए मर गया हूं. द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल, ठीक है ना, वेदर, WHETHEIR, द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल वेदर द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल हैड बीन, ठीक है ना, देयर फॉर मोर देन वन डे. डाउटफुल वेदर, डाउटफुल साथ में वेदर आता है, लिख लो. द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल, न्यूज़मैन मतलब रिपोर्टर डाउटफुल था, वेदर द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल हैड बीन देयर फॉर मोर देन वन डे, मतलब एक दिन से ज्यादा लगता है वहां पड़ा रहा होगा वो वेदर, चॉइस दिखाने के लिए. हैड बी रन ओवर, ओए स्नेह शास्त्री यार, आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप तो लेजेंडरी हो भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं है. अब देखो, मैं सबको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा. स्नेह शास्त्री, अपने शूज उठा लो आप, देखो, ठीक है, रन रैन और रन, जानते हो ना आप लोग, बट कोई बात नहीं, गलती हो जाती है. चलो नेक्स्ट देखो, 67. बोथ द रिच, अरे बाबा, बोथ के साथ एंड आता है, सबको पता है ना, दो ऑल दो येट आता है, आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, नॉट ऑनली बट ऑल्सो होता है, वैसे ही बोथ के साथ एंड होता है. बहुत इजी एरर है, इसको तो गोली मार के एक सेकंड में निकल जाया करो. आज के बाद रास्ते में कभी बोथ मिल जाए तो एंड ढूंढ लेना, आज के बाद रास्ते में कभी बिटवीन मिले तो फिर से एंड ढूंढ लेना, और आज के बाद कभी आपको फ्रॉम मिले तो टू ढूंढ लेना. सिंपल, तीन एरर होती हैं. नेक्स्ट, बोथ द रिच एंड द पुअर. अच्छा गाइस, कुछ और बात कर लें, अपनी कहानी है, कुछ और बात कर लें, ये सब जानते हो, कुछ और बात कर लेते हैं. आओ सुनो, जब कहीं अकेला रिच लिखो, सुनो, बोथ द रिच अलोंग विद पुअर. सुनना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं भाई, ये हटा दिया मैंने. इफ आई रिमूव द आर्टिकल फ्रॉम पुअर, गलत हो जाएगा कि ओनली पुअर, पता है क्या है एडजेक्टिव, पुअर गर्ल, पुअर बॉय, पुअर टीचर. मेरे पास ऑडी नहीं है, हम पुअर टीचर, समझ रहा है, तो मतलब पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसको पक्का नाउन चाहिए.
लेकिन अब यहां पे पुअर के बाद कोई पुअर टीचर पुअर गर्ल तो लिखा नहीं है, इसका मतलब है यहां पे द लगा दे और इसे नाउन बना दे, तो द पुअर का मतलब द पुअर पीपल, प्लूरल रिप्रेजेंटिंग एवरीवन। ये एरर हमेशा आती है, विल यू कीप इन माइंड? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन मेरे पास में 120 के आसपास हैं। अब मयंक भाई हिम्मत तोड़ रहा है क्या? सारे कर लो, अभी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। चलो बिशप द फॉलोइंग फर्स्ट सेकंड गिवन इन लोअर सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट बिलो टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट चूज द बेस्ट ऑप्शन ओके ब्ला 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 ओके डन। नेक्स्ट, चलो ये बोल्ड पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज द बोल्ड पार्ट, मुझे और कलर में लेके आना चाहिए था। ये इजी है मयंक, गो फॉर इट। व्हेन दे ब्रॉट द वेज कोड, जब वो पैसे वाला, जब सैलरी वाला कोड की बात आई, ब्रॉट देख लो, ब्रॉट पास्ट टेंस, आंसर बताओ। वैभव सिंह, यस यस, तो सुनो, when they brought the wage code, brought past tense, unions had extensively discussed, acha unions had been okay had been through extensive discussions, acha had been through extensive discussions among themselves, acha had extensively discussed, acha ओके, यूनियंस हैड एक्सटेंसिव डिस्कशंस, ये भी सही है, एमंग देम से ये भी सही है, यूनियंस हैव, नो, सेकंड, ओनली टू, शिखा रानी करेक्ट, और कौन है, कौन कौन है भाई, मुकेश कुमार सिंह जी, हाय हाय मुकेश जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर, ऑलराइट, ठीक है, हाँ, ये ई करने वालों, ठीक है, शर्म नहीं आई आपको, अब इस पर वेरिफिकेशन होगा। रेडी फॉर द पोस्टमार्टम, हेलो, रेडी फॉर द पोस्टमार्टम, इधर आओ। अब आप गलत किए हो तो मुझे बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, रिलैक्स, इधर आओ। व्हेन दे ब्रॉट द ब्रिज कोड, ठीक है, जब कोई रूल आया, ठीक है, ब्रिज कोड छोड़, कोई रूल आया पास्ट में, आया था जब वो लाए थे यूनियंस, तो सुनो उससे पहले डिस्कशन हुए होंगे, सुनना, देख ये रहा, इधर आ जा, ये है, यहां पे क्या नाम है, वो रूल आया पास्ट में, ये पास्ट है, ये पास्ट जा रहा है, यहां कोई रूल आया तो डिस्कशन पहले हुए होंगे कि नहीं, ये पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट में पहले डिस्कशन हुए होंगे तब जाकर के रूल आया होगा सिंपल पास्ट में, समझ गया, तो इसका मतलब है कि हैव तो गया, ठीक है। अब सुन सेकंड पार्ट, ये देखो, यूनियंस हैड एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड, ठीक है, अमंग देमसेल्फ, डिस्कस्ड व्हाट, गलत हो रहा है, तुम लोगों ने मेरी सबसे बड़ी ट्रिक यूज नहीं करी, तुम्हें डिस्कस्ड पूछना चाहिए तो वॉटर होम, तुम्हें आंसर आ जाता है, ओह नो, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस यार एक्चुअली। व्हेन दे ब्रॉट द वेज कोड, यूनियंस हैड एक्सटेंसिव डिस्कशंस, एक्सटेंसिव डिस्कशन, अब वॉटर होम से क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, इफ यू डू वॉटर होम तो ये गलत जा रहा है, कहां गया भाई ये, मेरा पैन नहीं पहुंच रहा वहां तक, ये गलत जा रहा है, बोलो, ई करने वाले याद करो कुर्बानी, यस, अब क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ऑल ऑफ यू डाउन एक्सेप्ट टू गाइस जिन्होंने ऑलरेडी बी मारा था, कोई नहीं, मजे लेते, कभी मैं गिरूंगा कभी तुम गिरो, समझ रहे हो, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन लॉजिक लगाओ, टेंस लगाओ, प्रोसेस दिमाग में करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है, सीखो, चलो अब आप सीख गए होगे, शायद मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये वाला करेक्ट है, अब तो सीख गए हो यार, नेक्स्ट, हाँ 69, देखते रहना, पूरे क्वेश्चन करके जाओ, 120 क्वेश्चन, जब भी पूरे हो जाएंगे मैं छोड़ दूंगा, पूरा करके जाओ, और प्लीज इस शेयर, इस लिंक को शेयर कर देना,
अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर, तुम्हें कुछ नहीं करना होता, कट कॉपी पेस्ट करना होता है, और मेरे लिए ये बहुत ही क्या बताऊं यार, मोटिवेशन की बात हो गई। इस टाइम पे देखो बालकनी में हमारी इस फ्लैट कॉलोनी में अपार्टमेंट्स में सब लोग मजे ले रहे हैं, बारिश का एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई एम हियर टीचिंग। अभी अमित सर, अमित पांडे सर, मैथ वाले, गोलगप्पा वाले सर, वो अभी आपके लिए एक बहुत औसम DI बना रहे हैं एक्चुअली, बहुत औसम, तुमने आज तक सुना ही नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे उनका क्रिएशन बहुत खूबसूरत लगता है। हम दोनों बंदे लगे हुए हैं इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द टी इन द बालकनी, थोड़ी मोहब्बत जरूर दिखाते ना। उन सर्के में भी 100-150 बच्चा होना चाहिए आज सबसे बेस्ट, और थोड़ा मेरे लिए भी कर दिया करो यार, इट डजंट टेक मच। ओके चलो इधर आ जाओ, हमारे पास भी चॉइस है कि कुछ भी हम लोग कर दें, आओ ठीक है। बिसाइड्स एन ओपन रिलेशनशिप, ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो डिसाइडेड, ठीक है, विद अ रिलेशनशिप दैट इज मोर ओपन, इंडिया हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू हैव मोर ऑनेस्ट। देखो ये वाला यहाँ से पता चल गया, ठीक है, ये तो गलत है और ये भी गलत है, ये फर्स्ट करेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, आई थिंक सबने किया। अच्छा इसमें भी ई लगाया है, बिसाइड रिफ्रेश करते रहना, रिफ्रेश रिफ्रेश एवरीवन। कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी भाई, अब सही हो गया क्या एक बार बताना। अभी ओके नाउ, ओके थैंक यू, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी भाई लोग, ठीक है आ जाओ। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे बने रहना, ठीक है, प्लीज लाइक शेयर करते जाना, प्लीज लाइक शेयर कर देना, थोड़ी सी बस आपसे वो चाहिए, हेल्प चाहिए हम सबको। बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे इन होम एंड वर्क फर्दर ओवर द प्रॉब्लम। अच्छा पता है, देखो बीइंग, पता है एक नया टॉपिक आ गया, किरण आपको, पूजा पता है, मदन पता है आपको, मयंक भाई, एक नया टॉपिक आ गया मॉडिफायर्स। कितने लोगों ने मुझसे मॉडिफायर पढ़ा हुआ है, डैंगलिंग मॉडिफायर, 5 लेजेंडरी टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, सुन लो सब लोग, आदत डालो यहां पे, मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, कंडीशनल सेंटेंस, इनवर्जन, एंड द फिफ्थ वन इज सुपरफ्लुअस। ये 5 लेजेंडरी टॉपिक में मैं आपको पता नहीं कितने रूल्स पढ़ा दूंगा मैं आपको, वो ये एरर होती है तुम्हें पता भी नहीं होता है, बस तुम लोग फीलिंग से कर देते हो, ठीक है। तो सुनो, बीइंग अ रेनी डे, अच्छा इस ING से पूछो कौन है, हर ING से, हर ED से पूछा करो, तू किसके लिए आया है बे, तू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु इज योर डैडी। बीइंग अ रेनी डे ऐसा लग रहा है कि विजय रेनी डे है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, विजय रेनी डे, यार विजय रेनी डे कैसे हो सकता है, समझ रहे हो, गलत हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब है आप पता है क्या करो, इसको सेटिस्फाई करो, विजय को नहीं, बीइंग को सेटिस्फाई करो, इसके लिए एक सब्जेक्ट रेफरेंस लेके आओ, ये तड़पती हुई आत्मा है, ये वो है चुड़ैल है, इसकी आत्मा शांत नहीं हुई है, ठीक है, ये भटक रही है, इसको कोई सब्जेक्ट दे दो ये बिल्कुल शांत हो जाएगी। ओ स्त्री अब कभी मत आना, मैं आपको इट दे रहा हूं। इट क्यों दिया है, डे के लिए, इट बीइंग रेनी डे विजय डिसाइडेड, याद रखोगे। अब सुनो सब लोग, यहां पर डिस्कशन के लिए भी आए, क्वेश्चन भी करेंगे। एक सेंटेंस जा रहा है, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इफ देयर इज एनी ING ED और ब्ला 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 ब्ला, तो उससे पूछना तेरा रेफरेंस कौन है भाई, तू किसके लिए आया है, तू रेफरेंस किसको दे रहा है, और रेफरेंस क्लियर होना चाहिए, या तो उसका रेफरेंस वहीं हो, अगर वहां नहीं है तो उसका रेफरेंस पता है कहाँ होता है, कॉमा के बाद यहाँ होता है, इसे मैं मॉडिफायर एरर बोलता हूँ, डैंगलिंग मॉडिफायर और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, अगर पढ़ना हो तो चले आना हमारी गली,
ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो, कितना बच्चा अभी वॉच कर रहा है। हाँ अब 71 पे आ जाओ सब लोग, 71 पे। सर्वाइवर्स ऑफ द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग हैज आर्ग्यूड दैट ओके यूनाइटेड स्टेट्स विल हैव मोरल अथॉरिटी ओनली आफ्टर इट अपोलोजाइज फॉर द ओरिजिनल सिन। ये देखो ये हैज होगा हैव होगा, बोलो देखो एक बार। नहीं 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 पवन उल्टा क्यों चल रहा है भाई, इट बीइंग होगा, बीइंग इट क्यों नहीं हो सकता, नहीं है, चलो हैव होगा। नेक्स्ट जाकिया एंड मोहम्मद अली हुज फैमिली अपोज देयर यूनियन बिकॉज दे आर, ठीक है अब सुनो, अपोज तो नहीं हो सकता, प्रेजेंट तो नहीं हो सकता, प्रेजेंट तो ये तब होता है जब हमेशा ट्रू स्टोरी हो, मतलब वो हमेशा अपोज करते रहते हो, ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब टेंस गलत है यहां पे, पकड़ लिया कि नहीं आप लोगों ने। जाकिर मोहम्मद अली हुज फैमिली अपोज देयर यूनियन बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट हैव बीन सी हैव बीन ओके सीक अ न्यू लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अरे यार पता है क्या है, जाकिया एंड मोहम्मद अली हुज फैमिलीज, यार फैमिलीज होना चाहिए था, अपोज्ड देयर यूनियन बिकॉज दे वर फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट हैव बीन सीकिंग अ न्यू लाइफ इन, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, इसको इग्नोर करते हैं, इसमें बहुत ठीक है ना। हाँ जाके मोहम्मद अली हुज फैमिलीज होना चाहिए था, अपोज देयर यूनियन बिकॉज दे वर फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट्स हैव बीन सीकिंग होना चाहिए था। आई थिंक ये इसकी डायरेक्शन वेक्शन सब गलत है, इसको इग्नोर करते हैं गाइज, प्लीज इग्नोर दिस क्वेश्चन, ठीक है प्लीज इग्नोर। अब नया करते हैं, उसमें कई जगह मेरे को मिस्टेक लग रही थी, सो लेट्स इग्नोर दैट पार्ट, ठीक है हाँ मल्टीपल एरर थी, इग्नोर करो। विच ऑफ द फ्रेजेस ए बी सी डी गिवन बिलो ई सेंटेंस टू रिप्लेस द फ्रेज ओके बोल्ड ओके 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 ओके, चलो ये ईजी लग रहा है, ये मजे लेते हैं, क्विकली आंसर करना। ये दिख रहा है आपको बोल्ड पार्ट, द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैड। ये तो बहुत इजीली है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यस इग्नोर द मल्टीपल एरर थी उसमें, ठीक है। द फादर टोल्ड पास्ट टेंस हिज सन दैट ही वाज अ लेजी बॉय एंड दैट ओके ही डिड हिज वर्क नाउ, मल्टीपल एरर करवाऊंगा मैं, जरूर करवाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, दैट ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, डी करेक्ट है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, I saw the accident, but fortunately I did not have to give evidence as there were, ठीक है ना, there were what? A large number of other evidences, a large number of other witnesses, witnesses correct होता है, evidences नहीं होता, evidences नहीं होता। अब ये देखो यहाँ पे आ नहीं लगा हुआ है, ठीक है आ लार्ज होगा, ए आर्टिकल मिसिंग है, सबको समझ में आ गया, बोलो गाइस क्लियर हो गया ये सब, प्लीज मल्टीपल एरर लीजिएगा जिसमें हमारे साथ को सॉरी हो रहे हैं। अच्छा वैभव सिंह आपने द हिंदू क्लास देखा है मेरा, और द हिंदू क्लास में एक पैराग्राफ में प्रियंका आप बताओ, आप तो डेली वाले हो एंड द रेस्ट ऑफ द गाइस, मयंक यार आप भी बताओ, एक एक पैराग्राफ में कितनी एरर बताता हूँ मैं, 7-8 एरर बताता हूँ मैंने, 12-15 एरर तक बताई हैं, प्लीज उसके लिए आया करो। और हाँ जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मैं वो भी लेके आऊंगा, मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा, किसी और से बनवाऊंगा तो वो इतना अच्छा नहीं बना सकता, ठीक है चलो। हाँ ये तो क्लियर हो गया सबको, ये करेक्ट था,
ये एक ही वजह से मिसिंग था और ये एविडेंस की वजह से मिसिंग था। हाँ चलो बी करेक्ट था। नेक्स्ट देखो 75। हाँ देखो प्रियंका को पता है 12-15 रेट डालता हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप जो कर रहे हो मैं उसको लेके आऊँ। एक काम करूं क्या मैं उस आर्टिकल में फिर मैं एक एक द हिंदू में मैं 100 एरर करा दूं आपको? बोलो एक द हिंदू के आर्टिकल में 100 एरर ग्रामर की ऐसी तैसी बोलो, और 100 में से लेट्स से कि 50 यूनिक होंगे। चलो मुझे याद दिलाना प्रियंका आप मैं जो मैसेज करना, मयंक आप भी मैसेज करना, शिखा रानी आप भी करना जो रेगुलर वाले बंदे हैं कि सर एक दिन वो बना दो, 2-3 दिन बाद मुझे याद दिला देना मैं बना दूंगा, ठीक है। एनीथिंग फॉर यू गाइज, बस ऐसे ही मोहब्बत दिखाते रहो, ठीक है, शेयर कर दिया करो वीडियोस, बस इतना सा चाहिए। आओ इधर आ जाओ। द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू। अरे सुन मेरे बाबा, जब पास्ट की बात आ जाए तो एक ही टेंस उसका दोस्त होता है सिंपल पास्ट का, पता है कौन? ये कहाँ गया, ये वाला, ये और ये, यो नहीं होगा यो नहीं होगा। सुन मेरे बात, पास्ट का जो दोस्त होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। पूछ कैसे, पूछ कैसे, ठीक है। अमित पांडे सर हैज कंप्लीटेड हिज द बेस्ट ऑफ द डीआई पीपीटी, समझ गया, मैंने अभी बोला ना 10 बजे पढ़ाने वाले हैं। हैज कंप्लीटेड, अमित पांडे सर हैज कंप्लीटेड हिज द बेस्ट ऑफ द डीआई प्रोजेक्ट। अब हैज कंप्लीट का मतलब अभी भी पूरा किया है। अरे दोस्त तो उन्होंने स्टार्ट कब किया था भाई, पास्ट में स्टार्ट किए तब तो अभी प्रेजेंट में पूरा किए ना, इसका मतलब तो प्रेजेंट परफेक्ट का दोस्त कौन है, पास्ट है। मानते हो कि नहीं, तो प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड, ये वाला मुझे बता रहा था पास्ट है तो यह लगा दो, मिशन सिंगुलर है, याद रखोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, मोहन हैज कलेक्टेड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। अबे यार ये तो बच्चों वाला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये तो बच्चों वाला है, अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। अरे मोहन के लिए जब यहां पे सिंगुलर है तो यहां पे भी सिंगुलर लगाओ, यह भी नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यो भी नहीं हो सकता, सिंपल। अरे भाई कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ओके ई लाइब्रेरी, इस ग्रुप को लेफ्ट करना पड़ेगा। एनीवे, मोहन हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन। अब सुन मेरे दोस्त, जो मैं अभी आपको सिखा रहा था ना, नरेंद्र शर्मा जी आर यू लाइव राइट नाउ, मेरे को पूरे कमेंट सेक्शन में दुनिया भर की तालियां चाहिए अगर आपको मैंने अभी यही बात पढ़ाई थी, अगर आपने देख लिया तो। मयंक भाई, कोडी, हरमन जतजा, मदन, राजेश्वरी, स्नेह शास्त्री, तालियां बजाना स्टार्ट कर दो अगर समझ गए हो। जो लोग नहीं समझे लिखो सर नहीं समझे यार भूल गए। बताओ बताओ बताओ, कितनी मोहब्बत की बात बताया था मैं अभी आपको। सुन देख भाई, जो लोग नहीं समझ आए, एक एंड लिखा है यहाँ पे, एक ऑक्सिलरी है यहाँ पे, एक बी3 है, दिख रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ एंड लिखा है, यहाँ फिर से एक ऑक्सिलरी आई है, और सुन यहाँ पे एक फिर से बी3 आई है, ये बी3 अलग है, ये बी3 अलग है, इसलिए दो दो बार ऑक्सिलरी वे आई है। कैन यू सी दिस, कैन यू सी, देखो इतनी तालियां बज रही है, इसका मतलब है कि सबको समझ में आ गया है। नरेंद्र शर्मा जी अब बता दो आ गया समझ में, प्लीज कीप इन माइंड। और सुन सुन दूसरी बात सुन, अगर ये भी कलेक्टेड होता और यो भी कलेक्टेड होता तो हम ये वाला हैज नहीं लिखते। लिखो सर वी गॉट योर पॉइंट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। रिकी रॉय, अरे रिकी तुम तो पुराने वाले बंदे हो, वेलकम बैक, वेलकम बैक, यू आर अ वेरी रेगुलर गाय, वंडरफुल। नेक्स्ट देखो, हाँ एक ही कॉन्सेप्ट को मैं 1000 बार बोलूंगा भाई, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाना है, तुम्हें रट्टा कराना है, तुम्हें याद दिलाना है, ठीक है ना। दिख जाए तो मुस्कुरा दिया करो। ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर
क्या लगाया आप लोगों ने? फॉर द प्रिंसिपल टू केम. अच्छा सुनो, एक बात और कहनी थी. ठीक है, मेरा शेक तो मेरे पास आ गया, अमित पांडे सर ने रेडी कर दिया है. अब आप क्या पीने वाले हो शाम को, आप बताना मुझे. ठीक है, और मैथ के लिए रेडी हो गए हो कि नहीं? मैथ के लिए रेडी हो जाओ. ग्रामर ने आपके पसीने छुड़ाए या मजा आया होगा? ठीक है, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डीए आने वाला है. मैं कितनी बार चीख से ला के कह रहा हूँ, क्लास मिस मत कर देना. थक जाओगे कोई बात नहीं, रात को सो जाना. हाँ, पांडे सर किचन में कुछ कर रहे हैं, आपने सही पहचाना एक्चुअली, वो मेरे लिए शेक बना रहे थे. चलो अब सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था भाई. सुनो, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है कि क्या दुनिया में सही है क्या गलत है, तो जो पक्का गन लेके घूम रहे हैं, जो हाथों में गोले लेके घूम रहे हैं, समझ रहे हो ना, वो तो पक्का गलत लोग हैं ना. जो हाथ में तलवार लेके घूम रहे हैं वो पक्का गलत लोग हैं, उनको भगा देना. जब तुम्हें सही गलत समझ में आए इस दुनिया में, तो जो पक्का चोर हैं, एक ऐसा बंदा जो कोरोना वायरस लेके घूम रहा है, जो लिख के घूम रहा है कि मैं कोरोना वायरस हूँ, तो उसको भगा देना, उनसे बच जाना. वो तो ऑब्वियस मिस्टेक है ना, ऑब्वियस वाले गलत कर दिया करो, सच्चे लोग आपको जरूर मिल जाएंगे. ठीक है, मैंने तो देखो केम पक्का गया, टू केम हो ही नहीं सकता, समझ गया. हाँ, सो ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल्स कमिंग. ठीक है, ये कमिंग हमारा यहाँ पर जेरेड की तरह यूज हुआ है, ING मतलब नाउन. नहीं, खाना मैं बनाता हूँ भाई. अमित सर को इसका वो मत देना, आप क्या बोलते हैं, क्रेडिट मत देना. ठीक है, खाना मैं ही बनाता हूँ. चलो मजा आ गया ना. चलो अच्छा सुनो, ये पूछो मेरे से कि दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं हुए. ठीक है, सब लोग सुनो. तो देखो, द कमिंग ऑफ प्रिंसिपल, रिकी रॉय से बात करते हैं, सोहन से बात करते हैं, क्योंकि पुराने बंदे, इनको पता होगा कि बर्बूज नाम की एक फिनोमेना होती है जिससे हमें बचना होता है. थैंक यू, समझ गए. चलो आज भाई क्या बनाया था, कल वीडियो बना डाल दूंगा मैं. मिक्स वेज बनाई थी मैंने, कई सारी पांच चीजों को, बहुत बेस्ट खाना बनाता हूँ मैं. ठीक है, आप सिलेक्शन लेके आओ, मैं इनवाइट करूंगा आपको, तो याद रखना. हाँ, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, बर्बोज मतलब एक्स्ट्रा वर्ड वाला. नेक्स्ट देखो, चलो थोड़ा फास्ट करते हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट ही गेव मी वॉज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट. बताओ एनी आंसर. क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, अब सुनो, द डॉक्यूमेंट ही गेव मी वॉज लॉन्ग. लॉन्ग कौन था? एडजेक्टिव. डॉक्यूमेंट. एंड कॉम्प्लिकेटेड कौन था? डॉक्यूमेंट. ठीक है, एडजेक्टिव. ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये एंड लिखा हुआ है. एंड आई स्ट्रगल्ड, पास्ट टेंस सही है, टू अंडरस्टैंड इट. नो एरर गाइस, ई आंसर है. आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं. सृष्टि चटर्जी, सर यू हैडंट सीन द स्पेलिंग ऑफ वीक, इट वाज रॉन्गली रिटन एज वीक. कौन सी वाली क्लास में? द हिंदू में वीक सही कर दिया था हमने सुबह, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना. अगर अगर मेरे से ओवरलुक हो जाता है कोई बात नहीं, अगर आप समझ जाते हो, लेकिन हाईलाइट कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कॉन्सेप्ट गलत हो रहा हो. मेरे से गलती हो सकती है, सो डोंट वरी, लेकिन आप मेरे से पूछ लेना. द ऑडिशंस फॉर इंडिया फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड ओके हंट इज है. The auditions for India's first ever reality-based pop band Hunt. अरे बाबा, ये R होगा ना. ठीक है, क्योंकि this is plural. Plural.
देखो अमित सर का क्लास है, मैं आपको 20 मिनट और पढ़ाऊंगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, जा करके रिलैक्स होके आ जाना। वो सर तो शायद आपको 1.5 घंटा पढ़ाने वाले हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, तुम जितना लगो मैथ वाले जितने तुम्हारे चैंपियन जानते हो ना, तुम्हारे टीचर्स को लेके आ जाना, अपने किसी को भी लेके आ जाना, इन्होंने कभी ने ऐसा नहीं सीखा होगा ऐसा DI। ठीक है, तो सर का आज वाला जरूर करना, 20 मिनट और पढ़ लो मेरे से, 20 मिनट और पढ़ लो। ठीक है, 80 देखो, 80 दे आर निगोशिएटिंग टू ट्राई एंड रीच। देखो टू ट्राई, ये टू रीच है, लेकिन टू नहीं लिखेंगे यहां पे, यहां पे एंड लिखा हुआ है, ये भी इन्फिनेटिव है, यो भी इन्फिनेटिव है। गॉट माई पॉइंट? दे आर निगोशिएटिंग। अब सुनो 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 सुनो, मिस्टेक सुनो, अगर क्या मिस्टेक हो सकती थी पॉसिबल, सुनो। दे आर निगोशिएटिंग टू ट्राई एंड रीचिंग, गलत। रीचिज गलत, रीच्ड गलत। प्लीज बताओ कि दिस पॉइंट क्लियर, एंड पॉइंट क्लियर, बताओ मुझे। जहां गलतियां बन सकती हैं मैं आपको पहले ही अवेयर कर देता हूं, सो दैट इन एग्जाम यू कैन बी अवेयर एज वेल। ओके, अभी डिनर नहीं हुआ है, समझ गए? बोलो क्लियर है? पैरेललिज्म, पैरेललिज्म बोलते हैं इसको। दे आर निगोशिएटिंग टू ट्राई एंड रीच एन एग्रीमेंट विच विल बी बेनिफिशियल, बेनिफिशियल टू एवरीवन कंसर्न्ड। बेनिफिशियल टू होता है कि नहीं? दिस शेक दिख रहा है आपको, ये मेरा हेल्थी शेक है, हर्बल लाइफ वाला, तो दिस शेक इज बेनिफिशियल टू माई बॉडी। ओके, बेनिफिशियल टू होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कंपनी हैज डिसाइडेड व्हाट टू अलॉट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक हिस्सा, टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नो एरर। अच्छा एक बात बता दूं, फन फैक्ट बता दूं मैं, फन फैक्ट जानना चाहते हो? चलो इसका नाम मैंने रखा था बाउ फैक्टर। गाइज बाउ फैक्टर मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन। गाइज लिखो हैशटैग कमेंट में बाउ फैक्टर, बाउ फैक्टर जानना चाहते हो? एक बार लिख तो दो आप, तब तो मैं आपको बताऊंगा। सर मुझे भूख लग गई, मैं बता दूंगा, समझो। अब सुनो, एक वर्ड होता है अ लॉट, अच्छा एक वर्ड होता है ALOT, अलॉट, एक वर्ड होता है ALOT। तो सुन, बाउ फैक्टर ये है कि पता है ये वाला कोई वर्ड नहीं है, देर इज नो सच थिंग एज ALOT, देर इज नो सच थिंग इन इंग्लिश। अलॉटमेंट ये होता है, आप अगर ऑफिसर बन जाओगे आपको अलॉट होगा एक क्वार्टर, ठीक है, और ये अलॉट होता है, ये सही है, ये सही है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो प्लीज बी केयरफुल इन द एग्जाम, एक नंबर की एरर है, एग्जाम पूछा हुआ है। विल यू बी केयरफुल? चलो अब मैं आपको बाउ फैक्टर बताया करूंगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आप मेरे से हमेशा पूछना कि सर कुछ बाउ फैक्टर बताओ ना, पूछ लिया करना, मैं बता दूंगा तुम्हें। एक सेंटेंस में मैं कम से कम 10 रूल पढ़ा सकता हूं, जस्ट गिव मी एनी रैंडम सेंटेंस, बस थोड़ा सा बढ़ा देना, तुम्हें 10 रूल पढ़ा सकता हूं मैं। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, 82 82 82 देखो, अब ये हर रोज 7 से 10 चलेगा, रेडी हो। टुमोरो कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी में तुम हमेशा परेशान होते हो, ठीक है, कल मैं पढ़ाने वाला हूं डिफरेंस, उसमें क्विज भी होगी। आर यू रेडी फॉर टुमोरो? और प्रॉमिस करके जाओ, तुम इस वीडियो को लगभग 700 800 लोग देखने वाला है, तुम एक एक बंदे को लेके आओगे। मेरे एफर्ट को थोड़ा सा बस रिस्पेक्ट दे दो यार, ठीक है, एक बंदा एक्स्ट्रा लेके आ जाना, ज्यादा नहीं मांग रहा। सो दैट मुझे जब पता चलेगा कि मेरे को 700 नहीं 1400 लोगों ने देखा है, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगे, हो सकता है नेक्स्ट डे में कुछ और लेके आऊं। जरूर पूछना मेरे से बाउ फैक्टर, इधर आ जाओ। अब 82 बताओ, 82। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने वाली बात है, वेदर दीज रिफॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेबल। अरे बाबा, एक्सेप्टेबल टू
दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. ये तुम जो मेरी हेल्प नहीं करते हो, तुम जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तुम ये जो बदतमीजियां करते हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. या फिर दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड. दो तरीके होते हैं, या तो एक्सेप्टेड टू कर दे या फिर इसको ईडी बना दे. ईडी होगा तो बाई करेक्ट होगा. समझ गया सब लोग? दो तरीके से कर सकते हैं. इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर दिस रिस्पॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड. क्या बोर्ड इन्हें एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्टेड बाय करेक्ट, अदरवाइज विल बी एक्सेप्टेबल टू द बोर्ड. थैंक यू. दो दो चॉइस थी इसको सही करने की. नेक्स्ट. रेडी? चलो. In the following questions, the sentence is divided into five parts. The last part of the sentence is highlighted in bold, suggesting the grammatically correct part. Okay, एक sentence जा रहा है, इसका last part already correct है bold में. Out of the four options, choose the one that grammatically contains contains grammatical error in it. If the okay, समझ गया. सुनो. Grammar में 2016 में SBIPO में जब पहली बार न्यू पैटर्न नाम की एक दुनिया आई थी, एक नया यूनिवर्स आया था, मार्वल यूनिवर्स न्यू पैटर्न का, उसमें ग्रामर में पहला क्वेश्चन यही था, पहला एक्सपेरिमेंट यही हुआ था कि लास्ट पार्ट को उन्होंने बोल्ड कर दिया. 2016 में मैं बैंकर्स अड्डा का मैं हेड हुआ करता था इंग्लिश का, ठीक है, तो वहाँ पे मैं ही सब कुछ बैंकर्स अड्डा में जो आज तक न्यू पैटर्न बनता आ रहा है वो सब मेरी देन है बाय द वे. ठीक है, तो सुनो, तो ये पहली बार न्यू पैटर्न इंग्लिश आई थी, अदरवाइज वो नॉर्मल आती थी. ठीक है, लास्ट पार्ट बोल्ड है, रिमेनिंग में से एक गलत है, वो गलत ढूंढो. मंजीत कौन किसका डैड बन गया भाई? बट एनीवे, सो बताओ. ठीक है, नो सूनर हैड द पार्टी लीडर इशूड दिस अल्टीमेटम. नो सूनर करेक्ट है, इशूड दिस अल्टीमेटम. अरे नो सूनर के बाद में यार टी एच ए एन आता है. अरे हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है ना, इन द सेम फैशन वैसा एक जोगा भोगा और है हमारे पास में. नो सूनर, नो सूनर इज अ नेगेटिव वर्ड एडो यूज एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, टेक इन्वर्जन. देखो ये इन्वर्जन हो रहा है कि नहीं, इधर देखो मैं दिखाता हूँ आपको. नो सूनर का ध्यान होता है. सुनो, नो सूनर पर दो इरर आती हैं. नो सूनर पर दो इरर आती हैं. पहली इरर तो पता है, नो सूनर की ईजी इरर तो एक ये है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? टी एच ए एन चाहिए. दूसरा इरर होता है इन्वर्जन. देखो नोटिस करो, पार्टी लीडर क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है, तो देखो इस पार्टी लीडर से पहले हेड गया है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब. इन्वर्जन होता है, क्यों होता है? कि व्हेनेवर देयर इज एनी नेगेटिव वर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए तो इन्वर्जन लेगा. इज इट क्लियर? थैंक यू. तो बी हमारा गलत था. नेक्स्ट. ठीक है, 10 मिनट और क्लास करूंगा. 10 मिनट. इंस्टीट वी स्टिल depict nostalgic snow scenes on Christmas card. Winters are now very much warmer. यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया. मेरे को तो ये वाले में गलत लग रहा है. यस, हाँ, इंस्टीट ओके. एक तो ये हो सकता है कॉमा, एक तो कॉमा की एरर भी हो सकती है यहाँ पे. इंस्टीड वी स्टिल डिपिक्ट नॉस्टैल्जिक स्नो सीन्स, हम अभी भी, ठीक है, जो हमारे क्रिसमस कार्ड्स होते हैं उनमें अभी भी हम लोग माउंटेन्स वाला व्यू दिखाते हैं, स्नो क्लैड माउंटेन्स, बर्फ वाले माउंटेन्स. विंटर्स आर नाउ वेरी मच वार्मर, जबकि विंटर्स हमारी वार्मर हो गई हैं, तभी हम पुराने वाले वो दिखाते हैं. इंस्टीट ऑफ, ठीक है, यहाँ वी स्टिल, ये वाला पार्ट गलत है, ये पक्का गलत है, इसका कुछ रीराइट करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं. ओ चलो, देखो सब लोग,
इट मे बी इंक्वायर. अच्छा, कितने लोगों को पता है इंक्वायर इनटू होता है? याद कर लो, मैं फ्रेजल वर्ब से पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है? इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू, व्हाट मीनिंग इज टू बी अटेस्ट, क्या मीनिंग इसको देनी है टू दीज एक्सप्रेशंस. इट मे बी इंक्वायर्ड, इट माइट बी इंक्वायर्ड इनटू, इंक्वायर इनटू होगा. चलो, तो इसका तो यही बोला. चलो नेक्स्ट देखते हैं, आओ चलो नया टाइप कर लेते हैं, नया टाइप आओ. हाँ ओके, इन दीज क्वेश्चन बिलो देर आर फोर सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट जो आंसर. हाँ, ये वाला करते हैं, ठीक है? अब आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ढूंढना है, इफ इनकरेक्ट योर आंसर. चलो ये लास्ट सेट कर लेते हैं, बस लास्ट सेट. द सिक्योरिटी गार्ड टोल्ड टॉम दैट ही कुडंट टेक पिक्चर्स इन दिस एरिया. ओके, इनकरेक्ट बताओ, इनकरेक्ट इनकरेक्ट देखो. अब टाइम नहीं बचा तो सोच रहा हूं ये वाले करा देते हैं. द सिक्योरिटी गार्ड टोल्ड, ये तो सही है, टोल्ड पास्ट टेंस. टोल्ड किसको? हुम टॉम दैट ही कुड नॉट पास टू टेक पिक्चर इन दिस एरिया, करेक्ट है. बाई सिग्नेचर द कॉन्टेक्ट, सुनो, सिग्नेचर हमारे पास में क्या होता है? नाउन होता है. और हमें क्या चाहिए? तो बाई साइनिंग, एस आई जी एन आई एन जी, बाई साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट आई कमिटेड माई सेल्फ टू वर्क देयर फॉर अनदर 5 years. क्लियर, पता चल गया. नेक्स्ट देखो, 89. नेक्स्ट देखो भाई, द आर्टिकल विल इन्फ्लुएंस, ये तो सही है, विल प्लस बी वन, ठीक है. द आर्टिकल विल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होम, ठीक है, या व्हाट पब्लिक परसेप्शन, क्या क्या करेगा, व्हाट पब्लिक परसेप्शन एंड विल्ड. अब सुनो, अब लोग नोटिस करना, अरे विवेक चंदेल, विवेक चंदेल पास्ट में कुड होता है, ठीक है ना, टोल्ड लिखा था तो कुड होगा. देखो आर्टिकल विल प्लस बी वन और विल बिल्ड होगा, ये भी सही है. विल प्लस बी वन, आर्टिकल विल इन्फ्लुएंस एंड विल्ड अवेयरनेस ऑफ डिसेबिलिटी इश्यूज, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट. हाँ, हावर्ड हैड टू पुल आउट ऑफ द ड्राइववे, पुल आउट को जानते हो, गाड़ी को साइड में कर देना और रोक देना, ठीक है. हॉबर्ट हैड टू पुल आउट ऑफ द ड्राइवे स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हिज स्पीड. 89 का क्या करा है आप लोगों ने, एक बार बताओ. इनकरेक्ट ढूंढना है हमें. हॉबर्ट हैड टू पुल आउट ऑफ द ड्राइवे, ड्राइवे स्लोली ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली. ओ हो, सुनो सुनो सुनो, मेरे को समझ में आ गया. कितने लोगों ने बी इनकरेक्ट बताया है? मैंने कहा था ना कि हर वर्ब को पूछा करो. देखो सुनो सुनो, नहीं 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 बाबा, रुक जा बाबा, इंक्रीज मत कर. हैड टू, ठीक है, हावर्ड हैड टू, टू पुल आउट. देखो सुनना, ड्राइव देखो किस तरह से बन रहा है, मेरा हाथ क्यों नहीं चल रहा. Had to plus B1, had to pull out of the driveway and gradually had to increase. तो ये 2 plus B1 है मेरे दोस्त. समझ में आ गया तो जल्दी बताओ B. बताओ, Howard had to pull out and gradually had to increase. Parallelism. 2 plus pull out, ऐसे 2 plus increase. तुम लोग अभी भी इस एंड से दोस्ती नहीं कर रहे हो, तुम इस सुसाइडल से
पंगे ले रहे हो। बोलो 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 बोलो, इस एंड को पहचानो यार, प्लीज बताओ समझ गए। ये थोड़ी टेढ़ी चीज है, ये तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। या तो मैं आदत डलवा दूंगा बार बार मेंशन करके, या फिर आपकी रीडिंग हैबिट से होगा, ठीक है? आपको ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आ जाओ, ग्रेजुअली विंटर रिलीज्ड इट्स अ ग्रिप एंड फ्लावर्स इरप्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इन सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। हाँ, इतना दूर है, सात समंदर पार भाई, सात समंदर पार। अब बताओ, कोई बात नहीं, समझ जाओगे, मैं ऐसे आराम आराम से पढ़ाऊंगा आपको, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? अब बताओ इसमें क्या है, और क्या एरर हो सकती है, ठीक है? ग्रेजुअली विंड रीज, एक बंदे ने तालियां बजवाता हूं मैं, कौन है ये? दीप शिखा के लिए तालियां बजाओ यार। देखो आप कहां फंसे हुए थे, और तो कितना सिंपल एरर था, ठीक है? और किसी ने किया? इट्स नहीं, किसी ने भी नहीं करा, नाउ नॉट अ सिंगल पर्सन। हाँ, कई कई सारे लोगों ने किया है, जिन लोगों ने ITS इट्स किया था, वंडरफुल, कीप इट अप। एंड चलो मैं अब ब्रेक दे देता हूं, हमारे पांडे सर रेडी हो रहे हैं, ठीक है? तो एग्जैक्ट 10 बजे आप लोग फिर से वापस आ जाना, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो मिस मत कर देना। और सुनो, हर ग्रुप में पहले जाके बता देना, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ पिछले 3 घंटों में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट चीज आपसे मिस ना हो जाए। तुम इस चैनल पे आए हो तो वी वांट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, बेस्ट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, ओके? चलो, हाँ एक और कर लेते हैं, आओ 90 और कर लेते हैं, 90 और कर लेते हैं। इन जनरल कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड देयर पेशेंट्स, सही है, इज किसके लिए आया हुआ है? कम्युनिकेशन के लिए आया हुआ है। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ए इज गुड, ऑलवेज ऑलवेज। कितने लोगों को मेरी अप्रोच पता है? सात समंदर पार, सात समंदर जानते हो, तुम्हारा लवर बहुत दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो देखो ये जो वर्ब आपको दिख रही है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बैठा हुआ कम्युनिकेशन। तुम लोग क्या है, पड़ोसी मोहल्ले में मोहब्बत कर लेते हो और फिर पिटाई हो जाती है तुम्हारी। दूर से मोहब्बत करो, किसी को पता नहीं चलेगा, सात समंदर पार, समझ गया? मंजीत सिंह, मंजीत मिलते हैं और डेली टच में रह करो, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आ जाओ, सब लोग फेसबुक पर सर्च कर लो मुझे, नरेन कुमार, कहीं भी आ जाओ, बातें करो, जो प्रॉब्लम है यार, जितना हो सकता है हेल्प करूंगा मैं आपकी। तुम सबको इंग्लिश की वजह से फेल नहीं होने दूंगा, बस इतनी गारंटी है। मुझे नहीं पता तुम्हें जॉब लगी नहीं लगेगी, लेकिन अंग्रेजी में तुम्हारे 25 नंबर दिलाऊंगा मैं 30 में से, इस बात की जिद है मेरी। इतने हजारों लोगों को दिला चुका हूं मैं, आपको भी दिलाऊंगा, ठीक है? तो कम्युनिकेशन, चलो, देयर इज नो डिनाइंग दैट क्विक एक्शन होगा। क्विक क्या है हमारे पास? एडीजे है, और एक्शन क्या है? नाउन है। चलो, चलो अभी तक कोरोना हो रहा है, सात समंदर, वैभव सिंह, थैंक यू वैभव भाई, तुम लोग इतना ये सब बातें लिख देते हो अचानक से, अच्छा लगता है, थैंक यू। मजा आ गया, चलो ऑल द बेस्ट। आपको 20 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और मैं कमेंट में आऊंगा पांडे सर की क्लास में, मेरे को तुम सारे बंदे चाहिए, ठीक है? अगर तुम मेरी क्लास में हो तो मैं अकेला जॉब नहीं दिला सकता, तुम्हें क्वांट में भी टॉपर बनना पड़ेगा, तुम में से क्वांट के बहुत अच्छे बंदे भी हो, जाओ चेक करो अपनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ऑल द बेस्ट, प्लीज प्लीज सब लोग शेयर कर देना, ऑफलाइन वालों भी, अगर तुम ऐसे शेयर कर दोगे, मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर लो और मुझे टैग कर दिया करो, ठीक है? थोड़ी मोहब्बत दिखा दो, हम आपके लिए आग लगा देंगे, ऑल द बेस्ट, ठीक है? होप यू एंजॉयड, एंड आस्क ऑल योर फ्रेंड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग कुछ बहुत ऑसम आपके लिए एक चीज लेके आने वाले हैं, ठीक है? जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। हम सब कुछ, सारे एजुकेटर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ा दें, कुछ इस तरीके से पढ़ा दें, कुछ ऐसा क्रिएट कर दें कि आपको
ठीक है ना, 1-to-1 डिस्कशन हो जाए और आपकी लाइफ ऑसम हो जाए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट।